हेलो एंड वेलकम बैक टू कैपिट्यूट्स कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज हम लोग जो रिसेंटली गेटको का जे का एग्जामिनेशन हुआ टियर वन का, इसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। सो आज के स्पेशल सेशन में स्पेशली हम लोग रीजनिंग के शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू के कंप्लीट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का जो सेशन होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे आप देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन में करेक्शंस है एंड आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और जो भी रॉन्ग हुए वो क्यों रॉन्ग हुए, ये सब कुछ आप एनालिसिस कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर आप लोग गेटको के प्लांट अटेंडेंट या फिर प्लांट ऑपरेटर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये सेशन देख सकते हो, बिकॉज ये सेशन जो है आपको ये एनालिसिस करवाएगा कि रिसेंट में जो एग्जामिनेशन हुआ गेटको जेई का, इसके टियर वन में रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से टॉपिक्स को कवरअप किया गया था, क्या लेवल था, ये सब कुछ आप एनालाइज कर सकते हो। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन PAPO तो आपको ये सेशन भी पूरा पूरा देखना है। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं शिफ्ट वन के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, आफ्टर दैट हम लोग शिफ्ट टू के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं सबसे पहले शिफ्ट वन के 25 क्वेश्चंस को। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था सिटिंग अरेंजमेंट से। सो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ABCDEF and G आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग नॉर्थ। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ABCDEF G जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं एंड सारे के सारे नॉर्थ दिख रहे हैं। दैट मीन्स 7 मेंबर्स जो है वो एक रो बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, एंड सारे के सारे जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा है। सो स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे हम लोग सेंटेंस को रीड करेंगे उसी तरीके से हमें हमारी जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसे बनाना है। ओके, सो सबसे पहला सेंटेंस क्या कहता है, ए सिट सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। एक लाइन में जो ए है वो सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, लाइन के सेकेंड राइट में। ओके, सो हम लोग सबसे पहले 7 मेंबर्स को बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। क्यों हम लोगों ने 7 मेंबर्स को बनाया है यहाँ पे, क्योंकि हमें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ऐसा कह रहा है कि ए जो है वो राइट एंड से सेकेंड बैठा हुआ है। हमें डायरेक्टली ए का पोजिशन बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है। सो ये है हमारा लाइन का अरेंजमेंट 7 मेंबर्स का, जिसमें ये होता है आपका लेफ्ट हैंड और ये होता है आपका राइट हैंड, जिसमें ए जो प्लेस्ड हुआ है दैट इज सेकेंड फ्रॉम दी राइट हैंड, इसलिए ए जो है वो यहाँ पे बैठ जाएगा। करेक्ट, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी। सिर्फ और सिर्फ 2 लोग जो है वो ए और बी के बीच में बैठ रहे हैं। दैट मीन्स बी जो है वो कहाँ पर प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, एफ सीट्स 4 टू द राइट ऑफ सी। अब देखिए हमारे 2 ही मेंबर्स यहाँ पे प्लेस हुए हैं, विच इज ए एंड बी। यहाँ पे बात की जा रही है एफ और सी की, जो कि हमने नहीं बैठाया है। यह हमारे लिए कंप्लीटली यूनिक सेंटेंस है, इसलिए हम लोग इस सेंटेंस को क्या करेंगे, रफ वक्त में साइड में बना लेंगे शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोला जा रहा है आपको कि एफ जो है वो सी के 4th राइट में बैठा है, तो सी के 4th राइट में हम पोजीशन बना लेंगे। 1 2 3 4 एफ ये जो रहेगा 4th राइट में बैठेगा। कौन, एफ किसके, सी के। ओके, सो ऐसा हम लोग रफ में बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि एफ और ई के बीच में प्लेस्ड होगा। ओके, अगेन एफ और ई हमारे इसमें नहीं प्लेस है, तो ये सेंटेंस को भी हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे कि ई और एफ के बीच में एक मेंबर जो है वो बैठा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट, डी सिट्स एट दी वन ऑफ द पोजीशन टू द राइट ऑफ जी। जी के वन ऑफ द राइट में जो है वो डी बैठेगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, जी के राइट में जो है डी प्लेस्ड होगा, ऐसा बताया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब कि जो सिटिंग अरेंजमेंट एक्चुअली बननी थी जिससे, वो सारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अभी इसी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, या आपको पूछा जा रहा है आपकी अरेंजमेंट कंप्लीट हुई है क्या नहीं। आपको इस अरेंजमेंट को क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। अब आप मुझे बताइए, जो हम लोगों ने फर्स्ट 2 सेंटेंसेस रीड किया उसको देख के हम लोगों ने इतना, जितना आपके सामने दिख रहा है उतनी हम लोगों ने अरेंजमेंट जो है बना ली है, लेकिन हमारे 3 सेंटेंसेस ऐसे है जो कि इस सिटिंग अरेंजमेंट में प्लेस्ड नहीं हो पाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे बैठाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ओके, अगर मैं बात करूं सी और एफ की, तो सी और एफ कहां पर बैठ सकता है, तो सबसे पहले सी को हम लोग यहां पे बैठा के देखते हैं। ओके, तो 3 पोजीशन अगर हम लोग छोड़ते तो एफ हमारा यहां पे बैठ जाएगा। ओके, सी के 4th राइट में एफ हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हमें जगह मिल रही है। अगर मैं सी को सेकंड पोजीशन पे ट्राई करूं,
अगर हम लोग ट्राई करके देखते हैं, तो अगर तीन पोजीशन छोड़ती हो तो ए ऑलरेडी प्लेस्ड है, ओके, दैट मीन्स सी यहाँ पे बैठेगा नहीं, और बी ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसके ऊपर सी बैठ नहीं सकता, दैट मीन्स सी के लिए एक ही जगह बचती है, इसलिए हम लोगों ने उसे एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है बैठा दिया है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, ओके। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। हम लोगों ने फर्स्ट सेंटेंस से ही अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। अगर आप ये सेंटेंस से भी अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट करते हो, सी के फोर्थ राइट में एफ है, तो भी आपका अरेंजमेंट जो है वो बन जाएगा, ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट टू सेंटेंसेस से अरेंजमेंट को स्टार्ट किया, एंड उसके बाद सी कहाँ पे बैठ सकता है ये हमने लॉजिकली जो है उसकी पोजिशन फाइंड आउट की है, ओके। सो सी और एफ हमारा प्लेस हो चुका है, इसके अलावा सी और एफ के लिए कोई और जगह नहीं हो सकती, ओके, क्योंकि सी के फोर्थ राइट में हमें एफ को बैठाना है। That means C और F के बीच में तीन blank spaces होनी चाहिए, at the same time C और F के लिए भी जगह मिलनी चाहिए। So एक ही position बचती है C के लिए, which is extreme left, and according to C, किसी अगर extreme left पे बैठता है तो A के left में जो है F बैठ जाएगा, okay? Next हम लोग आगे बढ़ते हैं, next is what कि E और F के बीच में एक member बैठा हुआ है, E और F के बीच में एक member बैठा है, तो E के लिए जगह बनेगी extreme right, because B ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है, इसलिए E यहाँ पे आ नहीं सकता है, इसलिए E जो है वो एक्सट्रीम राइट में बैठेगा, ओके। सो ये कंडीशन जो दो हमने रफ में लिखी थी, ये दोनों भी फुलफिल हो चुकी है। लास्ट वाला हमारा सेंटेंस बचता है, विच इज़ वॉट कि G के राइट में D है, दैट मीन्स G यहाँ पे बैठेगा और D जो है वो यहाँ पे बैठेगा। हमारी अरेंजमेंट जो है वो बन चुकी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप इसमें से अगर फर्स्ट स्टार्टिंग से रीड करते हो बना रहे हो तो भी आपका ये बन जाएगा, और अगर आपको उसके बाद नहीं क्लिक होता है कि सी का पोजीशन आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो आप इस सी से भी इस अरेंजमेंट को बैठाना स्टार्ट कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा था कि हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड जी। सो ए और जी के बीच में एक दो तीन मेंबर्स जो है वो बैठे हुए, तीन लोग जो है वो बैठे हुए, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, ओके। सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो था, which is from coding and decoding, very simple question. Question में बोला जा रहा है, in a certain code language, scope is coded as 7541 and poet is coded as 5419. What is the code for C in that language? देखिए question में ही answer easily मिल जाएगा, इसे आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ scope की, तो आप numbers में देखिए क्या number आ रहा है, 7541. आपको नंबर को ही एनालाइज करना है। और पोइट की अगर मैं बात करूं तो आ रहा है 5419, तो 5419 ये दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप अच्छी तरीके से एनालाइज कर पा रहे हो तो आप देख सकते हो 541 एंड 541 ये दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। उसी तरह ओपीई एंड ओपीई ये दोनों में कॉमन हो रहा है। जो कॉमन दोनों में नहीं है वो है सी और टी, सी और टी, तो बचता है सी, और उसी के लिए आपका कोड क्या हो जाएगा, 7। समझ आए आपको क्या किया हम लोगों ने, जो नंबर 541 दोनों में कॉमन आ रहा था, उसी की तरह ओपी ये लेटर भी दोनों में कॉमन आ रहा था। सिर्फ जो कॉमन नहीं है इसमें, दैट इज सी और टी, तो सी का कोड हो जाएगा 7 और टी का कोड हो जाएगा 9। आपको क्वेश्चन में सी का कोड पूछा जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। यहाँ पे आपको कोई भी तरीके से, कोई भी रफ शीट में कुछ भी कोडिंग डिकोडिंग का एग्जैक्ट कोड निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको यहाँ पे सी का कोड पूछा है। अगर आपको ओ पी ई का कोड पूछा रहता है, तो आपको स्पेसिफिकली पता करना रहता है कि 541 ये किसके लिए कौन सा कोड है। बट आपको एक एक्सेप्शनल लेटर पूछा जा रहा है, विच इज सी, जो कि एक्सक्लूडेड है ओ पी ई से, एंड उसी के लिए एक ही नंबर बचता है, विच इज 7, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7 ओनली, ओके। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट, द गिवन सीरीज इज अ लेटर क्लस्टर सीरीज विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द सीरीज। देखिए ये नंबर सीरीज का ही पैटर्न होता है, एंड नंबर सीरीज में ये लेटर बेस्ड मिसिंग सीरीज होती है, ओके। ये भी पैटर्न मैंने आप सभी को पढ़ाया था, एंड आपको एकदम बेसिक सा पैटर्न यहां पे पूछा था। आपको क्या करना होता है, इस सीरीज को जब भी आप कंप्लीट करते हो तो आपको प्रीवियस पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है, एंड अकॉर्डिंगली आपको आंसर जो है वो फाइंड आउट करना होता है, ओके। So, अभी हम लोग देखते हैं हमें किस पैटर्न में इस सीरीज को जो है वो दिया हुआ है, ओके? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज को जो है थोड़ा स्पेशियसली हम लोग लिख लेंगे, एंड इसका पैटर्न जो है देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सो दैट हमें बहुत इजी जाएगा, ओके? सो यहाँ पे मैंने सीरीज को थोड़ा एक स्पेस रख रख के लिख लिया है। अभी हम लोग इस पैटर्न को एनालाइज करते हैं, ओके? सो हम लोग क्या करेंगे, आई से स्टार्ट करेंगे। अगर आई से मैं फॉरवर्ड लेटर का काउंट करती हूँ, तो आई के बाद क्या आता है, आई जे के एल, ओके। सो फर्स्ट लेटर जो है वो आई के बाद एल आया है सेकेंड कॉम्बिनेशन में, ओके, दैट मीन्स टू
लेटर्स जो है वो स्कीप हुए, दैट इज जे एंड के. ओके, एल के बाद अगर मैं ओ के पास आती हूँ तो अगेन टू लेटर्स स्कीप होते हैं विच इज एम एन. ओके, देन ओ के बाद अगेन टू लेटर्स स्कीप होते हैं पी क्यू. देन आर के बाद यू की तरफ आते हैं तो अगेन टू लेटर्स स्कीप होते हैं एस टी. सो यू के बाद टू लेटर्स को अगर हम लोग स्किप करते हैं वी डब्ल्यू तो नेक्स्ट वन आएगा विच इज एक्स. ओके, अब आपको एक बात पता है, आपको चार ऑप्शन दिए हुए और अगर आपको फर्स्ट एक्स टी मतलब कि फर्स्ट लेटर एक्स जो है वो एक ऑप्शन में मिल चुका है, दैट मीन्स इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू और यहाँ पे कोई नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो आपको सेकेंड पैटर्न आप नहीं भी निकालोगे और आपका वहाँ पे टाइम सेव करके आप आंसर मार्क करोगे, विच इज़ गुड. अगर आप इस स्ट्रैटेजी से अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए भी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे तो आपका टाइम सेव होगा. ओके, अगर नन ऑफ दिस नहीं होता है और कोई अदर कन्फ्यूजिंग ऑप्शन नहीं है तो बेटर है, आपको पता है कि आपका हाफ पैटर्न जो है वो फॉलो हो चुका है, दैट मीन्स अपकमिंग पैटर्न भी फॉलो होना ही है, आंसर टी आना है, एक्स के साथ टी आना है एट एनी कॉस्ट. ठीक है, जो आपको कन्फ्यूजन था वो था बी और डी में, एक्स टी या फिर टी एक्स, तो एक्स आने वाला है फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन में का फर्स्ट वाला लेटर, सो अपकमिंग जो रहेगा वो टी ही रहने वाला है. कैसे मैं पैटर्न आपको बता देती हूँ, लेकिन इस तरीके के जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, आपका हाफ ऑफ द आंसर में अगर आप आंसर मार्क कर सकते हो तो बेटर है, आपका टाइम सेव कीजिए और इसी तरीके से आपका आंसर मार्क कीजिए. ओके, सो देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, ई एच, ई से एच का अगर मैं रिलेशन बनाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे अगेन टू लेटर्स जो है वो स्कीप हो रहे हैं. ओके, एच टू के अगर जाते हैं तो कौन से अगेन टू लेटर्स स्कीप हो रहे हैं, एच के बाद क्या आता है आई जे. ओके, देन के बाद अगेन टू लेटर्स स्कीप हो रहे हैं विच इज एल एम, एंड एन के बाद अगेन टू लेटर्स स्कीप हो रहे हैं विच इज व्हाट ओ पी, तो क्यू के बाद भी टू लेटर्स स्कीप होगा विच इज व्हाट आर एस, तो नेक्स्ट वन इज व्हाट टी, इसलिए एक्स टी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, वैसे तो आंसर हाफ पे ही निकल आ रहा था, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक लेटर मिसिंग सीरीज आपको पूछी गई थी. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट अगेन रिलेटेड टू सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें सर्क्यूलर सिटिंग अरेंजमेंट आपको पूछा गया था, जिसमें कितने पर्संस है वो आपको काउंट करना होगा क्योंकि डायरेक्टली मेंशन नहीं है. सो ई एफ एच एल एम एस टी, तो टोटल अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 7 मेंबर्स जो है वो सिट कर रहे हैं इन अ सर्क्यूलर टेबल फेसिंग सेंटर. सर्क्यूलर में 7 मेंबर्स जो है वो बैठ रहे हैं और सारे के सारे अंदर जो है सेंटर देख रहे हैं, मतलब कि अंदर का फेसिंग कर रहा है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्क्यूलर सिटिंग में 7 जो है वो सिटिंग बना लेंगे. ओके, समझ आया, और अगर हमारी पॉसिबिलिटी और बन सकती है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक और सिटिंग अरेंजमेंट सेफर साइड बना लेंगे. टू मैं ऑलवेज आपको रिकमेंड करती हूँ कि 2 ऑलवेज बनाना चाहिए, जब भी आप एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो तो आपको 2 सिटिंग अरेंजमेंट बनानी है, क्योंकि कभी भी अगर आपको कहीं पे भी पॉसिबिलिटी मिलती है तो दोनों कंडीशंस पे आपको साइमल्टेनियसली बैठानी है, एक रॉन्ग हो जाती है एंड एक आंसर आपको इजीली मिल जाता है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज व्हाट, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम दी लेफ्ट ऑफ एस. देखिए यहाँ पे जो पहला नंबर बोला, पहला जो सेंटेंस बोला गया है वो ऐसा है कि टी और एस के बीच में एक मेंबर बैठा हुआ है. अगर हम लोग एस से काउंट करते हैं, मतलब एस के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो. ओके, सो ये सेंटेंस को हम प्लेस नहीं करेंगे, हम कैसा सेंटेंस को फिक्स करेंगे जो आपको परफेक्ट पोजीशन बताता है. इन इसको भी आप बैठा सकते हो, बट कभी भी आपको उस सेंटेंस को पिक करना है जिससे रिलेटेड ज़्यादा आने वाले सेंटेंस आपको मिल सकते हैं. ठीक है, ऑलवेज ये बात आपको ध्यान में रखनी है तो आपकी अरेंजमेंट जो है वो जल्दी बैठ जाएगी. ओके, सो टी और एस की यहाँ पे बात की जा रही है, बट हम लोग उसके बाद का सेंटेंस लेंगे क्योंकि ई से जुड़े हुए सेंटेंस आगे हमें दिख रहे हैं. ओके, सो सिटिंग अरेंजमेंट बनाते वक्त आप एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा, उस सेंटेंस को पिक कीजिए जिससे कनेक्टेड काफी सारे सेंटेंसेस हैं, सो दैट आपका मैक्सिमम सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो प्लेस हो जाएगा एंड जो रफ में हम लोग साइड में लिखते हैं वो पोर्शन कम बचेगा. ओके, ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है क्विक सिटिंग अरेंजमेंट बनाने की. ओके, सो हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, विच इज व्हाट, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच. ओके, सारे सेंटर में प्लेस कर रहे हैं तो आपका राइट जो है वो इस साइड रहेगा और लेफ्ट जो है वो इस साइड रहेगा. ओके, सो एच के थर्ड राइट में ई बैठा हुआ है, एच के थर्ड राइट में एच यहाँ पे बैठा, 1 2 3 ई जो है वो यहाँ पे बैठ जाएगा. करेक्ट, उसके बाद का सेंटेंस क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सेंटेंस हमने बैठा हुआ नहीं है, फर्स्ट सेंटेंस. ओके, अब सो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल. अब एल हमने बैठा है क्या, नहीं, एल के थर्ड लेफ्ट में जी जो है वो प्लेस होने वाला है, तो हम लोग इसे रफ में साइड में लिख लेंगे. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा एल के
थर्ड लेफ्ट में जी जो है वो प्लेस्ड होगा, ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो है एक रफ में लिख लेंगे, ओके, बिकॉज ये हमें बैठाना होगा, जब हमें इससे रिलेटेड कोई लेटर्स हमारे बैठ जाएंगे तब हम लोग इन दोनों को भी बैठा देंगे, ओके। सो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज व्हाट, ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। सो यहाँ पे ई हमारा प्लेस्ड है तो हम लोग जी को बैठा सकते हैं, येस। सो यहाँ पे क्या बोला है, ई जो है वो जी के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो जी कहाँ पे हो जाएगा, जी यहाँ पे हो जाएगा, ओके, ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट, एम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, M जो है वो G का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, मतलब ही M जो है वो यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, ओके। सो हम लोग ऐसा लिख देंगे। आफ्टर दैट आपको क्या बोला है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन M एंड S व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ M, ओके। सो अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन अभी हमारे दो सेंटेंसेस बचे हुए, एक है हमारा ऑलरेडी जो मैंने मार्क कर रखा है वो, एंड सेकेंड जो हमने रफ में लिख रखा है। रफ में हमने क्या लिखा था कि L के थर्ड लेफ्ट में G है, L के थर्ड लेफ्ट में G है, दैट मीन्स L हमारा कहाँ पे आएगा, L जो है वो हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा ताकि G जो है इसके थर्ड लेफ्ट में आ जाए, तो 1, 2, 3 देखिए थर्ड लेफ्ट आ गया, सो L हमारा जो है यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा, ओके। आफ्टर दैट आपको क्या बोला था, फर्स्ट सेंटेंस को अगर हम लोग देखते हैं तो वो है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन T एंड S व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ S, ओके। सो T और S के बीच में एक ही मेंबर बैठा हुआ है, और ऐसा काउंट होने पर होना चाहिए, एस से अगर हम लोग एस से लेफ्ट में काउंट करते हैं टी की तरफ तो एक ही मेंबर होना चाहिए, ओके। तो अकॉर्डिंगली टी और एस जो है वो कहाँ पर बैठेगा, एस जो है वो जी के लेफ्ट में बैठेगा, क्यों, क्योंकि जी के लेफ्ट में इमीडिएट बाजू में एम नहीं बैठ सकता है, तो बट ऑब्वियस है एम के लिए जो पोजीशन रहेगी वो एल के आजू बाजू वाली रहने वाली है कोई ना कोई, तो बट हमें टी एस और एम ये तीनों को बैठाना है एंड दोनों कंडीशंस को साथ में रखना है, दो कंडीशन ऐसी कि जी के बाजू में एम को नहीं बैठाना है, एट द सेम टाइम टी और एस में एक ही मेंबर बैठना चाहिए और एस के लेफ्ट से काउंट करने पर एक मेंबर होना चाहिए। सो एस जो है वो जी के लेफ्ट में बैठ जाएगा, सो आप लोग यहां से देख पा रहे होंगे अगर जी के लेफ्ट में एस बैठ जाता है सो एक गैप छोड़ के टी जो है वो वहां पे बैठ जाएगा, एंड यस इट इज ट्रू कि एस से अगर लेफ्ट में मैं काउंट करती हूं तो एस और टी के बीच में एक ही मेंबर बैठा हुआ है और बची हुई जो जगह है वहां पे एम जो है वो प्लेस्ड हो जाएगा। सो यहां पे हमारा जो 7 पर्सन्स का सिटिंग अरेंजमेंट था सर्कुलर बेस वो कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमें कोई भी पॉसिबिलिटी हमारी रेडी नहीं हुई। सो हमारी सेकेंड अरेंजमेंट जो हमने बनाई थी कि हमें कोई कंडीशन ऐसी मिलती है कि जहाँ पे हमें सेकेंड पॉसिबिलिटी को यूज़ करना पड़े, तो ऐसा नहीं हुआ, हमारा सिंगल पॉसिबिलिटी में ही ये रेडी हो चुका है। सो अब हमारा अरेंजमेंट जो है वो रेडी हो चुका है, आपको ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एम एंड एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एम, M के राइट से काउंट करना है और बताना है कि M और S के बीच में कितने लोग जो है वो बैठे हुए हैं। सो M से हम लोग राइट में काउंट करते हैं तो राइट M का इधर साइड जाएगा, सो आप देख सकते हो L, T, H ये तीन लोग जो है M और S के बीच में बैठे हुए हैं, जैसे ऑप्शन A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें 7 लोगों का सिटिंग था ये समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल सा था। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया जो मोस्ट कॉमन लेटर्स होते हैं उस सेंटेंस से आप पिक कर सकते हो, आप वेरी फर्स्ट सेंटेंस से भी बना सकते हो, ठीक है। बट होता क्या है उसमें कि बहुत सारी ऐसे आने वाले सेंटेंसेस ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली वहां पर बैठते नहीं हैं, सो आपको वो रफ में साइड में बनाने होते हैं। अगर आपको ज्यादा अरेंजमेंट बैठानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको उस लेटर्स को पिक करना है जो मैक्सिमम टाइम्स यूज हुए हैं उस सेटिंग अरेंजमेंट में, ओके। सो आपका आंसर ऑप्शन A3, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, आई होप आप सभी का आंसर जो है वो आया होगा। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू सिलॉक्स। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट से आपको क्या बनानी पड़ती है, डायग्राम बनानी पड़ती है एंड उस डायग्राम को देखकर आपको कंक्लूजन्स के आंसर करने होते हैं, ओके। सो स्टेटमेंट से डायरेक्टली हम लोग सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नो ब्लैंकेट आर कर्टन, नो ब्लैंकेट आर कर्टन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कुछ इस तरह, ओके। नो जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह हम लोग डिनोट करते हैं। देन है ऑल कर्टन आर पिलो, तो ऑल कर्टन आर पिलो जो है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, सम पिलो आर शॉल, सम पिलो आर शॉल, ओके।
हमारी स्टेटमेंट को देखकर जो डायग्राम है वो रेडी हो चुकी है, अभी हम लोग कंक्लूजन्स को देखेंगे। कंक्लूजन को जब हम रीड करेंगे तब हम वो लोग डायग्राम में देखेंगे कि हमें वो कंक्लूजन डायग्राम में नज़र आ रहा है क्या। अगर हमें वो कंक्लूजन डायग्राम में दिख रहा है दैट मीन्स इट इज़ ट्रू, और वो अगर नहीं दिख रहा है दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स। इसी तरीके से सिलॉलिज्म को अटेम्प्ट करना होता है। ओके, अगर कोई भी डेफिनेट सेंटेंस है तो वो डेफिनेटली उस डायग्राम में दिखना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट वन इज व्हाट, सम ब्लैंकेट आर पिलो, सम ब्लैंकेट आर पिलो, ब्लैंकेट यहाँ पर है, पिलो यहाँ पे है। सम का रिलेशन जो होता है वो कुछ इस तरह होता है। ओके, सम का रिलेशन कुछ इस तरह होता है। मुझे बताइए ब्लैंकेट और पिलो का रिलेशन आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दैट मीन्स इट इज रॉन्ग। करेक्ट, नेक्स्ट वन, सम कर्टन आर शॉल, कर्टन और शॉल, अगेन कर्टन और शॉल का आपका सम का रिलेशन नजर आ रहा है क्या? नहीं, इजीली आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, दैट मींस अगेन इट इज आल्सो रॉन्ग। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीदर वन नॉर टू इज ट्रू। लेकिन क्या हुआ है, आपको इसका जो आंसर है ओनली ए जो है ये दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में करेक्शन है, आप देख सकते हो। ओके, सो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर है नीदर वन नॉर टू इज ट्रू, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आप इस क्वेश्चन को जरूर अच्छी तरीके से एक बार गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज वॉट, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे जो नंबर सीरीज होती है ये अल्फा न्यूमरिक सीरीज का एक टाइप होता है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स को लेकर सीरीज आपको दी होती है एंड उसके ऊपर कंडीशनल बेस आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रेफर टू द 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट अलाउज। ओके, सो लेफ्ट और राइट लिखा है, मतलब कि वो लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है, इसका इतना ही मतलब है। और एक्चुअल बीच में जो आपके 5 combinations आपको दिए हुए एंड उस 5 combination में 3 नंबर्स है। ओके, सो हम लोग कंडीशनल क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड उस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे एंड आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट सीन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखिए फर्स्ट डिजिट में आपको 2 को ऐड करना है ऑफ एवरी नंबर। ओके, सो देखिए 156 में पहला आपका जो 1 है ना वो आपका लेफ्ट है, ठीक है, तो 1 में आप 2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 356। ओके, देन है 258 में अगर आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 458, फिर 435 में अगर 2 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 635, 697 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 897, 421 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 621। जितना पढ़ा उतना इंप्लीमेंट किया, ठीक है, इसी तरीके से करोगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट सीन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ एवरी नंबर, इन हाउ मेनी नंबर विल द फर्स्ट डिजिट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेकेंड डिजिट सीन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, देखिए ये जो इन्होंने आगे बोला है वो ये बोला है कि आफ्टर कन्वर्जन के बाद ऐसे कितने नंबर्स है जहाँ पर पहला डिजिट जो है आपका वो दूसरे डिजिट से डिविजिबल है। तो 3 जो है वो 5 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 4 जो है वो 5 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है क्या? यस, 6 इज डिविजिबल बाय 3, 3 2 6 होता है, इसलिए ये एक नंबर हो जाएगा। देन 8 इज डिविजिबल बाय 9 क्या? नहीं। 6 इज डिविजिबल बाय 2, यस, 6 इज डिविजिबल बाय 2, 2 3 6 होता है। दैट मीन्स ऐसे 2 नंबर्स है जहां पर पहला डिजिट जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय द सेकेंड डिजिट, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। समझ आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते नेक्स्ट वन। Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4 letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? Note the odd one out is not based on the number, consonant, vowel or their position in the letter cluster. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नोट आपको दिया गया था वो बहुत अच्छा था कि यहाँ पे आपका जो ऑड वन आउट है उन्होंने क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया कि ना तो वहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट रहेगा, ना तो कोई वॉवल का कॉन्सेप्ट रहेगा, या फिर कोई पोजिशन ऑफ द लेटर का कोई भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। सो आपको वो लगाना भी नहीं है। सो आपको यहाँ पे बताना है कि 4 में से एक पेयर जो है वो बिल्कुल भी उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करती, तो कौन सी वो पेयर है जो वो ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रही है। सो यहाँ पे आपके कॉन्सोनेंट, वॉवल और पोजिशन ये तीनों भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाने हैं। सो अदर देन दैट आप क्या लगा सकते हो, आपको जिस सीक्वेंस में जो लेटर्स दिए हुए हैं उसको उसी सीक्वेंस में आप उस लेटर को बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग में आप लोग उसे बोलने की कोशिश कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बिकॉज उस इन तीनों के अलावा अगर कुछ बचता है तो वही एक ऑप्शन बचता है। ओके, सो हम लोग ट्राई करते हैं। सो डी से अगर मैं फॉरवर्ड लेटर काउंटिंग करती हूँ तो डी के बाद क्या आता है? ई एफ जी एच।
मतलब कि फोर लेटर को स्किप किया है और डी के बाद जो है वो आई आया है, समझ आया? डी और आई के बीच में जो फोर लेटर्स आते हैं ई एफ जी एच, इनको स्किप कर दिया है। उसी तरह जी और एल की अगर मैं बात करूँ तो जी के बाद आता है एच आई जे के, अगेन फोर लेटर्स को स्किप किया है एंड एल जो है वो यहाँ पे आया है। दैट मीन्स फर्स्ट कॉम्बिनेशन से मुझे ये ट्रिक पता चलिए कि डी और आई के बीच में फोर लेटर्स है एंड जी और एल के बीच में भी फोर लेटर्स है। उसी तरह देखते हैं जे और ओ में ये अप्लाई हो रहा है का हो रहा है क्या। सो जे से ओ की तरह अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं तो क्या हो रहा है, जे के बाद आता है के एल एम एन, अगेन फोर लेटर्स कीप हो रहा है। और एम से अगर हम लोग आर की तरफ जाते हैं तो अगेन एन ओ पी क्यू, फोर लेटर्स कीप्स हो रहे हैं। ओके, दैट मीन्स बी में भी हमारा जो हम लोगों ने एक लॉजिक निकाला है कि फॉरवर्ड लेटर का जो काउंटिंग है वो फॉलो हो रहा है, येस ए और बी में तो हो रहा है। सी में देखते हैं सी में फॉलो हो रहा है क्या। सो सी में हो रहा है के और पी के बीच में अगर मैं बात करूँ तो के बाद आता है एल एम एन ओ, येस यहाँ पे भी फोर लेटर्स कीप हुआ है। एन और एस की अगर मैं बात करूँ तो आता है ओ पी क्यू आर, येस यहाँ पे भी फोर लेटर्स कीप हुआ है। बट ऑब्वियस अगर तीन में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो बट ऑब्वियस है कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ट्राई करके भी देख सकते हो एस और एक्स में, एस के बाद आता है टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे तो फोर लेटर्स कीप हुआ है करेक्ट। लेकिन वॉट अबाउट सी और जे, सी और जे में अगर मैं काउंट करूँ तो आता है डी ई एफ जी एच आई, सिक्स लेटर्स कीप हुए हैं बिटवीन सी एंड जे, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ओके, सो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी आपको स्पेशली एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप आगे आने वाले एग्जामिनेशन देते हो आपको एक बात ध्यान में रखना है, अगर आपको कहीं से भी हिंट लग जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि आपने तीन अटेम्प्ट कर लिया और तीनों भी पैटर्न फॉलो हो रहा है बट ऑब्वियस बचा हुआ एक ही ऑप्शन है एंड नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना है। अननेसेसरी चेकिंग में अपना टाइम मत डालिए, अगर आपके पास एग्जामिनेशन होने के बाद वक्त है तो आप क्रॉस चेक जरूर कर सकते हो, बट अदरवाइज आपका पैटर्न फॉलो हो चुका है बेटर है, ऐसे जगह पे आप अपना टाइम सेव करें। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, अगेन रिलेटेड टू कोडिंग डिकोडिंग। देखिए इस क्वेश्चन में काफी लोगों को कंफ्यूजन हुआ है, आपका कंफ्यूजन मैं कंप्लीटली दूर करने वाली हूं एंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाली हूं। ओके, क्वेश्चन को रीड करते In a certain code language, copy is coded at 8264 and YAX is coded as 3547. What is the code for Y in that in the given code language? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगी, मुझे काफ़ी सारा इस पे जो है कंफ्यूजन नज़र आया है, काफ़ी स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन नज़र आया है एंड उन्होंने इस क्वेश्चन को रॉन्ग भी बताया है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसे करेक्शन में डालना चाहिए। नो, ये क्वेश्चन करेक्ट है, इसका आंसर भी करेक्ट है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। कॉपी का जो कोड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8264 एंड याक्स का जो कोड दिया है विच इज़ 3547। ओके, सो यहाँ पे दोनों में आप एक ही चीज़ कॉमन देख रहे हो विच इज़ वाई, करेक्ट। सो आप लोग हर बार जिस तरीके से सोचते हो कि जब हमें कुछ कॉमन नज़र नहीं आता है तो हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं, सी का कोड 8, ओ का कोड पी, पी का कोड 6, वाई का कोड 4, फिर यहाँ पे वाई का कोड 3, ए का एस, के का 4, एस का 7, करेक्ट। बट आपको हर बार वही नज़रिए से नहीं देखना है, कोडिंग डिकोडिंग में काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है। आपको एक बात ध्यान में रखना है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो हम लोग कुछ कॉमन ढूंढते हैं, उसी तरह कॉपी और याक में आपको जो एक कॉमन दिख रहा है लेटर में विच इज़ वाई एंड अगर मैं नंबर में बात करूँ तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है वो है 4, इसी का मतलब होता है वाई का कोड 4 होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए 4 जो कि आपको दिया हुआ है आपके आंसर शीट में विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं है, आपको इस क्वेश्चन में कोई करेक्शन नहीं डालना है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। कॉपी और याक में एक ही लेटर कॉमन है विच इज़ वाई एंड अगेन क्योंकि एक लेटर कॉमन है वाई दोनों में तो दोनों में एक नंबर भी कॉमन है विच इज़ 4 जो कि इन दोनों का कोड हो जाएगा 4। और कोडिंग डिकोडिंग बोलते ही उसे है, जब हम लोग डिकोड करते हैं तो हम लोग सबसे पहले जो कॉमन चीजें ढूंढते हैं चाहे वो नंबर हो चाहे वो लेटर हो, तो इन दोनों में जो लेटर और नंबर कॉमन हो रहा है विच इज वाई विच रिप्रेजेंट 4, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। ओके, आई होप जिन भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट होगा वो सभी का डाउट क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में अगेन वन मोर टाइम कहना चाहूंगी कोई करेक्शन नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंडिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको मैंने ऑलरेडी
कोर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए थे एंड ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत क्विकली इसका आंसर आता है, सिर्फ इसको अच्छी तरीके से समझना होता है एंड आंसर मार्क करना होता है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय प्रकाश शेड, प्रकाश जो है एक बॉय का फोटोग्राफ है, सपोज यहाँ पे एक फोटोग्राफ हम लोग बनाते हैं, ये हुआ फोटोग्राफ ओके, और इसमें कौन है, एक बॉय है, इसको देखकर ठीक है, इसको पॉइंट आउट करते हुए, इसको पॉइंट आउट करते हुए प्रकाश, ये प्रकाश वन मोर आइडेंटिटी यहाँ पे दिया हुआ है, वन मोर पर्सन इंक्लूडेड है इस ब्लड रिलेशन में प्रकाश नाम का, वो इस बॉय को पॉइंट आउट करते हुए क्या कहता है, अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि वो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस दिया होता है उसी से आंसर आता है ओके। क्या बोला जा रहा है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, और यहाँ पे जब भी इंडिकेशन का क्वेश्चन आता है ये जो माई रिप्रेजेंट करता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो उस फोटोग्राफ को या फिर जो कोई पर्सन को इंडिकेट करता है उसके लिए, मतलब जो वो इंट्रोड्यूस करता है वो पर्सन, माई कौन हो जाएगा, प्रकाश खुद हो जाएगा, माई कौन हो जाएगा, प्रकाश खुद हो जाएगा, ऑलवेज ध्यान में रखना इंडिकेशन के क्वेश्चन में माई जो होता है वो कौन होता है, जो इंट्रोड्यूस करवाता है वो, इसलिए प्रकाश यहाँ पे माई हो जाएगा ओके। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, सो प्रकाश की, अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे प्रकाश की जो मदर है ठीक है, उसके सन का ये इकलौता सन है, कौन, ये बॉय, समझ आया, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, प्रकाश की जो मदर है उसके इकलौते बेटे का ये बेटा है, समझ आया, ऐसा मीनिंग आपको निकालना है। और आपको एक और ट्रिक मैं बताती हूँ, अगर आपके एग्जामिनेशन में आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप हिंदी में कन्वर्ट करके भी आंसर कर सकते हो, अगर लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन मिलता है तो आपको आंसर बहुत जल्दी मिलेगा ठीक है। अगर आपके एग्जामिनेशन में आप आंसर चेंज कर सकते हो, मतलब कि आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, तो इंडिकेशन के क्वेश्चन को आप लैंग्वेज कन्वर्ट कीजिए, आपको आंसर पढ़ने के बाद ही मिल जाएगा। इंग्लिश में थोड़ा ट्रिकी होता है समझना, लेकिन अगर आप इसे लैंग्वेज कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे तो आपको आंसर ज़रूर जल्दी मिलेगा। ये एक बार ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिशियल रहेगा ओके। सो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है आगे क्वेश्चन वो ये है कि हाउ इज़ प्रकाश रिलेटेड टू दैट बॉय इफ़ प्रकाश इज़ अ मेल, प्रकाश अगर मेल मेंबर है सो प्रकाश का रिलेशन बॉय के साथ क्या होगा, तो वो बॉय का क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। समझा यहाँ पे क्या था कि फोटोग्राफ में एक बॉय था, उसको दर्शाते हुए प्रकाश कहता है कि ये जो बॉय है ना, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर ठीक है, माई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रकाश को, सो प्रकाश की जो मदर है उसका जो इकलौता बेटा है उसका ये बेटा है, कौन, ये बॉय, तो प्रकाश ये बॉय का क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ओके। बढ़ते आगे एंड देखते नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू मैथमेटिकल ऑपरेशन, अगेन इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाए हैं एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है बहुत ही डुएबल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या होता है, कुछ साइंस दी होती है उसको आपको कन्वर्ट करना होता है जिस साइन में आपको बोला गया है, जैसे कि यहाँ पे बोला है इफ, इनटू मीन्स एडिशन, प्लस मीन्स सब्सट्रैक्शन, माइनस मीन्स डिवीजन, डिवीजन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एक ऑपरेशन दिया है, 43 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 28 माइनस 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आता है ये क्वेश्चन आप रफ शिफ्ट पे ज़रूर सॉल्व करके इसे अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस की बात होती है और थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, अगर हमने थोड़ा भी इधर से उधर रीड किया ना तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है, और कोइंसिडेंटली अगर वही जो आपका रॉन्ग आंसर आया वो आपको ऑप्शन में मिल गया, दैट मीन्स आपका आंसर आपके आँखों के सामने गलत होता आपको नज़र आता है ठीक है। सो ऐसे मिस्टेक मत कीजिएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ईजिली होता है, विद इन अ 30 सेकेंड आंसर आता है, बेटर है इसे रफ शीट में अच्छी तरीके से पढ़ के सॉल्व कीजिए ओके। सो यहाँ पे आपको साइन को कन्वर्ट करना है, प्लस को किसके साथ करना है, सब्सट्रैक्शन के साथ, तो 43 माइनस 1 हो जाएगा, डिवीजन को किसके साथ करना है, डिवीजन साइन को देखना है, डिवीजन इज मीन्स मल्टीप्लीकेशन ओके, देन मल्टीप्लीकेशन को किससे करना है, मल्टीप्लीकेशन मीन्स एडिशन ओके, एंड सब्सट्रैक्शन को किससे करना है, सब्सट्रैक्शन मीन्स डिवीजन ओके।
सो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन पढ़ाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मैं एक ही ट्रिक कहना चाहूँगी, ये जो क्वेश्चन आपको भी पूछा गया था बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एंड आने वाले एग्जामिनेशन में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक ही मैं चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा अलर्ट रहना है, प्रॉपर रीड करना है, प्रॉपर जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए उसे फॉलो करना है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल इसे सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन सबसे पहले होगा, तो 4 7 28 होता है। ओके, देन मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 1 7 एंड 43। ओके, मैंने क्विकली सॉल्व किया, +7 -7 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 43। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। समझ आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, मैंने जैसे कि कहा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर फॉलो करना है, आंसर करेक्ट ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वन फ्रॉम पजल आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सो यहाँ पे 7 boxes का पजल आपको पूछा जा रहा है। 7 boxes A B C D E F and G आर केप्ट वन ओवर दी अदर बट नॉट नेसेसरीली इन दी सेम ऑर्डर। अगेन मैंने पजल के सेशंस भी आपको प्रोवाइड किए हैं एंड इस टाइप की पजल्स भी आपको पढ़ाई है। ओके, सो देखिए क्वेश्चन में पहला वाला सेंटेंस क्या कहता है, हम लोग सेंटेंस पढ़ते जाएंगे एंड पजल को भी रेडी करते जाएंगे। ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज वॉट, ओनली 3 boxes आर केप्ट अबाउट डी, डी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 boxes है, दैट मीन्स डी के नीचे बचे हुए बॉक्सेस रहेंगे। सो 7 boxes हम लोग पहले रेडी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये 7 boxes हो गए। अब यहां पे क्या बोला है, सिर्फ 3 boxes जो है वो D के ऊपर है। सो D के ऊपर 1 2 3 boxes रखेंगे, मतलब D आपका जो है यहां पे प्लेस्ड हो जाएगा। ओके, फर्स्ट सेंटेंस ही हमारा ऐसा था जो कि बहुत इजीली प्लेस्ड होने वाला था। ओके, बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट वन। ओनली 1 boxes इज केप्ड बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉक्स बैठेगा। अब यहां पे आपको एक डेफिनेटली क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि जी को डी के ऊपर बैठाओ या जी को डी के नीचे बैठाओ, ये सभी के माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए आपको 2 possibility रेडी करनी पड़ेगी, एक बार जी को ऊपर बैठाकर और एक बार जी को नीचे बैठाकर। ओके, समझ आया, ठीक है, वेरी इजी। बढ़ते आगे और देखते नेक्स्ट वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ओनली 3 boxes आर केप्ट बिटवीन जी एंड सी, जी और सी के बीच में 3 ही boxes है। सो पहले वाले कंडीशन में हम लोग अगर जी को देखते हैं तो नीचे ही जगह मिल रही है हमें सी को बैठाने के लिए, तो 1 2 3 boxes को छोड़ देंगे तो सी यहाँ पे आएगा। एंड एज पर द सेकेंड पॉसिबिलिटी, सी को बैठाने के लिए ऊपर ही जगह, इसे 1 2 3 boxes को छोड़ देंगे, सी को यहाँ पे बैठाएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है, सी इज केप्ट एट द सम प्लेस अबाउट डी, ये होती है आपका कंक्लूजन वाला सेंटेंस। क्या बोला है, सी इज केप्ट सम प्लेस अबाउट डी, डी के ऊपर ही सी बैठेगा। क्या बोला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो आपकी 2 possibility में से 1 possibility को रॉन्ग साबित करेगा। सी इज केप्ट एट दी एट सम प्लेस अबाउट डी, डी के ऊपर सी कहाँ पे बैठा है, इन दी सेकेंड पॉसिबिलिटी, इसलिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला आपका करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे एंड इसमें हमारा पजल को कंप्लीट करेंगे। एफ इज केप्ट इमीजिएटली बिलो सी, ओके, सो सी के एग्जैक्टली नीचे, इमीडिएट नीचे जो है वो सी एफ बैठा हुआ है। ओके, देखिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में यही सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है। जब भी हम लोग रीड करते हैं, सेंटर फेस कर रहा है, आउटवर्ड फेस कर रहा है, लेटर्स का रीड करना, इमीडिएटली बिलो, इमीडिएटली अबाउ, ये सारे जो भी वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको प्रॉपरली अगर रीड किया तो आपकी एक भी मिस्टेक नहीं होगी और आपका अरेंजमेंट विद वन गो बैठ ही जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में बहुत बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैम एक बारी में हमारा पजल नहीं बैठा है, और हमको एक बार हमने बैठा ही नहीं, कुछ तो रॉन्ग हुआ, आंसर्स ही नहीं आ रहे थे, फिर वो सेकेंड टाइम फिर से कोशिश करते, तब डीमोटिवेशन आ जाता है, ठीक है। और हमारा माइंड जो है ऑलरेडी एग्जामिनेशन में जो है, एक बात ध्यान में रखना है, ऑलरेडी हम लोग बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में होते हैं। तो जब भी आप लोग सेटिंग अरेंजमेंट पजल या फिर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, एकदम कामली स्टार्ट करना है, प्रॉपरली रीड करना है, तो आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद आपको सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, ए इज केप्ट एट वन प्लेस अबाउ ई, ई के ऊपर कहीं तो ए बैठने वाला है, ए इज केप्ट वन ऑफ द प्लेस अबाउ ई, मतलब कि ई के ऊपर जो है वो ए बैठने वाला है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बी इज नॉट केप्ट इमीजिएटली बिलो और अबाउ जी, बी जो है वो जी के ऊपर नीचे नहीं बैठेगा, मतलब कि बी ये 2 places पे अगर नहीं बैठता है, बट ऑब्वियस है फिर बी जो है वो यहीं पे बैठेगा।
क्योंकि बी जो है वो कहीं पे भी ना जी के ऊपर बैठेगा इमीजिएट अबाउ, ना इमीजिएट नीचे बैठेगा। दैट मींस बी के लिए एक ही जगह बचती है विच इज सी के ऊपर, इसलिए बी जो है वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। एंड हमारा जो पजल है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसके आगे आपको क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ड बिटवीन ए एंड बी। ए बैठने का बाकी है क्योंकि हमारा एक सेंटेंस छूटा था जो कि है ए इज केप्ड एट वन ऑफ द प्लेस अबाउ ई, तो ई के ऊपर जो है वो ए यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, हमारा अरेंजमेंट जो है मतलब कि हमारा जो पजल है वो रेडी है। अभी आपको पूछा है कि ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो है 1, 2, 3, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। समझ आया, बहुत ही सिंपल सा पजल पूछा गया था, बहुत सिंपल था। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वो भी अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन था। आपको बोला जा रहा है सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको क्या बोला जा रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें से ऑप्शन ऐसा चूज करना है कि जैसा यहाँ पे पैटर्न फॉलो हुआ है वैसा ही सेम पैटर्न फॉलो होने वाला कौन सा इसमें से ऑप्शन है। सो नोट में आपको क्या बोला है, ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर, होल नंबर के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिट। एग्जांपल 13 ऑपरेशन ऑन सच 1 एंड 3 13 सच एज एडिंग सब्सट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग टू 13 कैन बी परफॉर्म। ब्रेकिंग डाउन 13 इंटू 1, 3 एंड देन परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन 1 एंड 3 इज नॉट अलाउड। तो बहुत ही सिंपल है, नोट यहाँ पे ये लोगों ने क्वेश्चन में नोट आपको देकर बहुत ही इजी कर दिया है। सो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी क्योंकि करते हैं कुछ लॉजिक इस तरीके के भी लगाते हैं, इसलिए ये नोट दिया हुआ है कि आपको जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है वो होल नंबर के ऊपर परफॉर्म करना है, जैसे कि 6, 4, 5, 19, 13, 11। आपको वहाँ पे जो 19 है उसको स्प्लिट नहीं करना है 1 और 9, 11 को स्प्लिट नहीं करना है 1 और 1। ठीक है, आपको उसे कम्प्लीटली कंसिडर करना है एंड उसी के ऊपर प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन डिवीजन जो भी आपको ऑपरेशंस लगाने मैथमेटिकल ऑपरेशंस उस कंप्लीट होल नंबर को कंसिडर करके ही लगाना है, उसे सेपरेट आउट नहीं करना है। सो देखिए 6, 4 और 5 और 19, 3 और 11 इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले डिकोड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो अगर आप लोग 6, 4 और 5 और 19, 3 और 11 को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हो तो आपको एक यहाँ पे जो कोडिंग नज़र आ रही है वो कुछ इस तरह है। देखिए 6 + 4 = 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5, 19 + 3 इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 11। समझ आया क्या हुआ, जो 6 और 4 था मतलब कि पहले जो दो नंबर्स थे 6 और 4 इन दोनों को ऐड किया है 10 एंड इनको 2 से डिवाइड किया तो आया 5, 19 और 13 को ऐड किया तो आया 22, 22 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू व्हाट 11। तो आपको ऐसा नंबर चूज करना है जहाँ पे ये सेम ऑपरेशंस को ही फॉलो करना है, मतलब पहले दो नंबर का एडिशन जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड। तो 33 + 5 बाय ऑप्शंस जाएंगे, एक एक ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पे ये आंसर मिलता है, कहाँ पे ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को फॉलो किया जाता है, वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं, 33 + 5 विच इज इक्वल टू 38 एंड 38 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 19। आंसर मिल चुका है ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आंसर मिल चुका है तो मैं आपको बाकी ऑप्शंस नहीं भी बताऊँ और आप भी बाकी चेक नहीं करो तो भी चलेगा, बट क्योंकि हम लोग क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। 7 + 4 = 11 होगा, 11 डिवाइड बाय 2 इज 5.5, 6 दिया है रॉन्ग हो जाएगा। 13 + 7 इज 20 एंड 20 डिवाइड बाय 2 इज 10, 11 दिया है रॉन्ग हो जाएगा। 19 + 2 इज व्हाट 21, 21 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट 10.5, ये भी गलत हो जाएगा। सो आप लोग देख पा रहे होगे ऑप्शन ए में ही आपको आंसर मिल चुका था, बेटर है कि आप लोगों को आंसर मिल जाता है तो मूव टूवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। बट हम लोग यहाँ पे क्योंकि हमारा पैटर्न की बात कर रहे हैं तो मुझे आपको सारे ऑप्शंस में दिखाना था कि हमारा जो पैटर्न था वो ऐसा था कि पहले दो नंबर का एडिशन डिवाइडेड बाय दी 2। ओके, सो बढ़ते अभी हम लोग आगे एंड देखते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रीजनिंग से आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, जिसमें आप 25 में से 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो एंड 25 में से 25 मार्क्स इजीली ले सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक भी क्वेश्चन, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कि मैं कहूँ कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ओके, सो अगेन सिलॉलिज्म से क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन पूछा गया था विच इज फ्रॉम सिलॉलिज्म अगेन। सो देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, स्टेटमेंट से आपको डायग्राम रेडी करनी है एंड अकॉर्डिंगली आंसर करना है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला वाला स्टेटमेंट कहता है सम क्लोथ्स आर जीन्स। सो सम क्लोथ्स आर जीन्स, नेक्स्ट इज ऑल जीन्स आर शर्ट, ऑल जीन्स आर शर्ट्स एंड नो शर्ट इज अ ब्लेजर, नो शर्ट इज अ ब्लेजर। ओके, सो देखिए कंक्लूजन वन क्या कहता है, सम क्लोथ्स आर शर्ट,
डायग्राम रेडी है, डायग्राम को देखना है और कंक्लूजन्स के आंसर को मार्क करना है. सम क्लोथ्स आर शर्ट, फर्स्ट कंक्लूजन है सम क्लोथ्स आर शर्ट. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो सम वाला पोर्शन है क्लोथ और शर्ट का इजीली आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, इसलिए आपका फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो ट्रू हो जाएगा. सम क्लोथ्स आर शर्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. ओके, सेकेंड कंक्लूजन को अगर हम लोग देखें, नो जीन्स इज अ ब्लेजर, नो जीन्स इज अ ब्लेजर, अगेन इट इज ऑल्सो ट्रू. कैसे, क्योंकि पूरा का पूरा जीन्स जो है वो शर्ट के अंदर है और शर्ट का रिलेशन ब्लेजर के साथ एक नेगेटिव रिलेशन है, नो वाला रिलेशन बना है, तो वही सेम रिलेशन जीन्स का भी बनेगा क्योंकि पूरा का पूरा जीन्स क्या है, वो शर्ट है. ओके, इससे जो शर्ट का रिलेशन ब्लेजर के साथ रहेगा वही जीन्स का रिलेशन भी ब्लेजर के साथ रहेगा, इसलिए नो जीन्स इज अ ब्लेजर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ वन एंड टू इज ट्रू. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर लेटर क्लस्टर पेयर हैव बीन गिवन आउट, आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन सम मैनर एंड वन इज डिफरेंट, सिलेक्ट वन क्लस्टर पेयर दैट इज डिफरेंट. ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, चार पेयर, चार में से तीन जो है उसका पैटर्न अलग है और एक का पैटर्न जो है अलग है. इसी का मतलब है ऑड वन आउट, सिंपल वो ऐसी पेयर बताना है जो कि यहाँ पे ऑड वन आउट है. ओके, सो हम लोग देखते हैं, चारों पेयर्स को ऑब्जर्व करते हैं एंड आंसर को फाइंड आउट करते हैं. सो सबसे पहले टी आई एम ई टाइम है जिसका कोड दिया है यू जे एन एफ. सो टी के बाद यू आता है, आई के बाद जे आता है, एम के बाद एन आता है, ई के बाद एफ आता है, तो आपको पता चला होगा कॉन्जिकेटिव लेटर जो है यहाँ पे आया हुआ है. ठीक है, उसके बाद गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो जी के बाद एच आता है, ओ के बाद पी आता है, ओके, एल के बाद एम आता है, डी के बाद ई आता है. ओके, सो यहाँ पे कम्प्लीटली जो सिक्वेंस है एच के अलावा क्यू एन एफ ये रॉन्ग दिया हुआ है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्जिकेटिव लेटर का काउंटिंग हो रहा है. आप लोग सी में भी चेक कर सकते हो, डी में भी चेक कर सकते हो, बी के बाद सी, आई के बाद जे, आर के बाद एस, डी के बाद ई, एच के बाद आई, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, डी के बाद ई. सो रिमेनिंग ऑप्शन में भी सेम कॉन्जिकेटिव लेटर्स आ रहे हैं लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी ऑड वन आउट हो जाएगा एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इन द फॉलोइंग नंबर पेयर द सेकेंड नंबर इज ऑप्टेन बाय अप्लाइंग सर्टन मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द फर्स्ट नंबर, विच नंबर शुड बी रिप्लेस एक्स एंड वाई सो दैट द पैटर्न फॉलो बाय द टू नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इज द सेम इज दैट ऑन द राइट साइड ऑफ, ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर विदाउट इन टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिट. देखिए अगेन यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे ना आपको नंबर के पेयर्स दिए हुए हैं. ठीक है, जहाँ पे जो दूसरा नंबर है ना, देखिए काम करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन को पहले बना लेते हैं, एक्स इज टू टेन, फोर इज टू वाई, तो ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये हुआ आपका राइट हैंड साइड. ओके, सो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे जो ये सेकेंड नंबर आया है ना, इसमें कुछ ना कुछ पहले नंबर के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हुए हैं तब ये आंसर मिला है. यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है सेकेंड नंबर इज ऑप्टेन बाय अप्लाइंग अ सर्टन मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द फर्स्ट नंबर. समझ आए, पहले नंबर में कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए कि आपको सेकेंड नंबर जो है वो मिला हुआ है, ये उन्होंने कहा है. सो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक्स और वाई के जगह आप क्या ऐसा डालोगे कि दोनों नंबर का जो पैटर्न है, दोनों साइड का पैटर्न जो है, लेफ्ट हैंड साइड का एंड राइट हैंड साइड का, दोनों साइड का पैटर्न जो है वो सेम फॉलो होना चाहिए. सो एक्स और वाई की जगह कैसे नंबर डालोगे कि दोनों साइड पैटर्न जो है वो सेम फॉलो होगा. सो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बाय ऑप्शन ही सॉल्व करना है. और यहाँ पे अगेन वही नोट दिए कि होल नंबर कंसिडर करना है, उसे ब्रेक नहीं करना है. जैसे 10 है तो 10 कंसिडर करना है, उसे 1 और 0 अलग अलग नहीं करना है. ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन ही जाओगे तब आपको बहुत ईजिली आंसर मिलेगा. सबसे पहले हम लोग ए ऑप्शन के थ्रू जाते हैं. ए में x को 5 कंसिडर करते हैं. अगर हमने सपोज देखिए आप लोग अच्छी तरीके से x को अगर हम लोगों ने 5 कंसिडर किया सपोज, तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 5 को लिख लेंगे. ओके, सो x की जगह 5 लिख लेंगे और y की जगह क्या लिखेंगे, 65 लिखेंगे. अब मुझे बताइए 5 से अगर मैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करूं तो मुझे 10 मिलना चाहिए, तो 5 इंटू 2 करूंगी तो मुझे 10 मिल गया. ठीक है, अब आप मुझे बताइए यहाँ पे y का वैल्यू कितना दिया है, 65, तो मुझे अगेन 4 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 2 करती हो तो 65 आ रहा है क्या, नहीं, 4 इंटू 2 करता है 65 आ रहा है क्या, नहीं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. मतलब कि मेरा फर्स्ट ए ऑप्शन का आंसर आ सकता है क्या, नहीं. सो हम लोग ये रब कर देंगे. ओके, देन अब सेकेंड ऑप्शन हम लोग चूज करते हैं, सेकेंड ऑप्शन में 2 प्लेस करते हैं, 2 अगर प्लेस किया और y की जगह हम लोग 62 प्लेस करेंगे. सो 2 से 10 अगर मुझे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये कह सकते हैं कि 2 4 8 प्लस 2
2 4 8 + 2, या फिर ऐसा कह सकती हूँ मैं 2 का क्यूब। एक ये ऑपरेशन हो सकता है 2 4 8 + 2, एक ये हो सकता है 2 का क्यूब विच इज़ वॉट 8 + 2। ठीक है, क्यों मैंने 2 का क्यूब बोला, क्योंकि यहाँ पे 62 नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, तो मुझे कहीं ना कहीं नियरेस्ट जाना है, तो ये भी एक लॉजिक बन सकता है, क्योंकि मैं 4 4 16 करूँगी और 16 + 2 करूँगी तो कितना आ रहा है 18 तो है नहीं, तो पहले लॉजिक से रॉन्ग हो गया। सेकेंड लॉजिक अगर लगा मैं 4 का क्यूब तो वो 64 आ रहा है, प्लस 2 करूँगी तो 66 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे है क्या, नहीं, दैट मीन्स मेरे दोनों लॉजिक यहाँ पे वर्क नहीं किए। ओके, सो अगेन मेरा ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। अब मैं जाऊँगी मूविंग टुवर्ड्स दी थर्ड ऑप्शन। अगर थर्ड ऑप्शन अगर हम लोग लेते हैं तो x को 3 कंसिडर करेंगे और हम लोग y को 64 कंसिडर करेंगे, तो 3 से 10 की तरफ जाना है तो कैसे जा सकता है, 3 का एक तो 3 3 9 + 1 और 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 + 1 10, ये दो ऑपरेशंस यहाँ पे हो सकते हैं, इंटू 3 + 1 और स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे तो 4 3 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, जो कि नहीं है, 64 से कहीं पे भी इक्वल नहीं है, तो गलत हो जाएगा फर्स्ट। एंड सेकेंड 4 का स्क्वायर विच इज़ वॉट 16 + 1 = 17, अगेन विच इज़ इवन नॉट इक्वल टू तो है ही नहीं, बट इवन नियरेस्ट भी नंबर नहीं है वो 64 के, दैट मीन्स मेरा सी भी नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर तीनों फॉलो नहीं है तो डी आंसर आना ही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डी ऑप्शन को पिक करते हो, देखते क्या लॉजिक लगा है। ओके, सो डी में वैल्यूज क्या दी गई है आपको, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू वॉट 66। सो 2 का क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्योंकि 66 है, बट ऑब्वियसली बहुत बड़ा नंबर है, तो क्यूब वाला पैटर्न ही फॉलो करो, क्योंकि 2 का ऑलरेडी हम लोगों ने एक पैटर्न ऊपर लगाया था ऑप्शन बी में, जब हमने कैसे लगाया था 2 का क्यूब विच इज़ 8 + 2, मतलब कि 2 का क्यूब + 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 का क्यूब + 2, 4 का क्यूब कितना है 64 + 2, तो कितना है 66। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो पैटर्न था क्यूब प्लस टू वो फॉलो हुआ लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड में भी, दोनों जगह पैटर्न फॉलो हुआ, कौन से ऑप्शन को चूज़ किया हम लोगों ने तब फॉलो हुआ, ऑप्शन डी को जब हम लोगों ने पिक किया तब हमारा दोनों साइड का पैटर्न फॉलो हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, देखिए मैंने क्यों बोला बाय ऑप्शन चाहिए, क्योंकि क्या करोगे, आपको नहीं पता एग्जैक्टली आंसर क्या है, सो आपको वैसे भी क्या करना है, कुछ ना कुछ आपको लॉजिक लगाना ही है, सो आप ऑप्शन को देख के ही लॉजिक लगा सकते हो, उसके अलावा आपके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि आपको एक्स और वाई की जगह क्या आएगा ये आपको ऑप्शन में से ही देखिए, आप रैंडम कोई भी नंबर चूज करोगे तो नहीं चलेगा, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये बाय ऑप्शन सॉल्व होने वाला ही क्वेश्चन है, सो बेटर है ए से स्टार्ट करो या फिर डी से स्टार्ट करो, एक तो ऊपर से स्टार्ट करो या फिर नीचे से, रैंडम बी लोगे फिर सी लोगे फिर हम लोग भूल जाते हैं, फिर इससे क्या होता है कभी कभार हम एक ही ऑप्शन दो बार ट्राई करते हैं, तो बेटर है ए से स्टार्ट करो या फिर डी, मतलब इधर फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड और अपवर्ड टू डाउनवर्ड, इट्स अप टू यू, कभी कभार लास्ट ऑप्शन होता है, कभी ए में ही आंसर मिल जाता है, कभी बी में मिलता है, कभी सी में मिलता है, तो ठीक है थोड़ा प्लस माइनस टाइम गया तो चलता है, बट आंसर तो मिलता है ना करेक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको इस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपका खुद का दिमाग ना लगाते हुए बाय ऑप्शंस जाओगे तो आपको जल्दी आंसर मिलेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन, ऑप्शंस की ही वैल्यूज को पिक करना है एंड आंसर निकालने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नंबर सीरीज, वेरी सिंपल नंबर सीरीज, अगेन ये ऐसी नंबर सीरीज अगर मैं देखूँ तो मैं इसे देख के ही सॉल्व कर सकती हूँ, इसे कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, मतलब कि रफ शीट में लिखने की जरूरत नहीं, ऐसी नंबर सीरीज पूछी गई थी। क्यों, 121 के पास 131 आया मतलब कि प्लस 10 हुआ है, 131 के पास 151 आया मतलब कि प्लस 20 हुआ है, 151 के पास 181 आया विच इज 1 + 30 हुआ है, 181 के बाद 221 हुआ है तो प्लस 40 हुआ है, तो आगे क्या होगा प्लस 50, 221 प्लस 50 करूँगी तो आंसर आएगा 271, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। देखिए समझ आया क्यों मैंने कहा कि ये कॉपी में मतलब कि रफ शीट में भी सॉल्व करने लायक नंबर सीरीज नहीं था, क्योंकि ये नंबर सीरीज को जब हम लोग देखते हैं तो नंबर सीरीज जो थी वो छोटी छोटी इंक्रीज होने वाली नंबर सीरीज थी, मतलब ये क्या हो रहा है कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, 121 के बाद 131 दिख रहा है मतलब कि प्लस 10 हुआ है, फिर प्लस 20 हुआ है, प्लस 30 हुआ है, प्लस 40 हुआ है, प्लस 50 होगा, दैट मीन्स 271, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन अल्फा न्यूमरिक सीरीज आपको पूछी गई थी जिसमें नंबर्स भी है, लेटर्स भी है और सिंबल्स भी है। ओके, क्वेश्चन को रीड करेंगे, लेफ्ट और राइट इसका मतलब ये होता है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वो क्वेश्चन को इस तरीके से देख के आपको कंफ्यूज करने का एक नज़रिया होता है, बट आपको कुछ भी नई चीज़ जब भी क्वेश्चन में दिखती है तो आपको उसको देख के कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है या फिर ज़्यादा उसके ऊपर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको उस क्वेश्चन को उतना ही कंसिडर करना है जैसा हम लोगों ने पढ़ा है आज तक। ठीक है, और जो भी एडिशनल पोर्शन दिया है इट इज़ जस्ट फॉर दी कन्फ्यूजन, ध्यान में रखना है जब भी एग्जामिनेशन में बहुत ही कुछ न्यू एलिमेंट आपको दिख रहा है सो आप उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए, आप उसको सिर्फ जो दिया एक बार रीड करो, उसका मीनिंग बहुत कुछ न्यू डिफरेंट नहीं होता है,
मैक्सिमम टाइम जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, डे बाय डे जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें बहुत पैटर्न चेंज नहीं होता है, वो क्वेश्चन पूछने का तरीका घुमा के पूछ लेता है या फिर कुछ कंफ्यूजिंग एलिमेंट उसमें डाल देता है, कुछ एडिशनल चीज़ें उसमें डाल देता है, वही चीज़ें आपको जो है इग्नोर करनी होती है एंड क्वेश्चन का आंसर मार्क करना होता है। सो यहाँ पे एक सिंपल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी हुई है, क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर सॉल्व करना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इफ ऑल सिंबल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेवन फ्रॉम द राइट, वेरी सिंपल, सारे सिंबल्स को ड्रॉप करना है मतलब ही इग्नोर करना है और बताना है राइट से सेवंथवा कौन सा है। अब आपको सीरीज में राइट और लेफ्ट भी लिख के दिया है तो सोचिएगा इस, आपको ये भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि कौन सी लेफ्ट हैंड साइड है कौन सी राइट हैंड साइड है, ओके वो तक आपके सामने है। राइट हैंड साइड आपकी ये हुई है जहां से आप सिंबल्स को इग्नोर करना है और सिक्वेंशियली जाकर सातवा राइट आपको ढूंढना है, सेवंथ राइट। तो ये हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, विच इज एट्थ। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट वन आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन अगेन रिलेटेड टू मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्या करोगे, डिवीजन के जगह पे आपको क्या लगाना है, डिवीजन के जगह पे आपको मल्टीप्लिकेशन लगाना है। डायरेक्टली मैं देख रही हूँ, इफ माइनस मीन्स डिवीजन, डिवीजन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिशन, प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, ये रीड करके कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली वो क्या करना है, आपको इक्वेशन देखना है और डिवीजन के लिए क्या दिया हुआ है वो डायरेक्टली पुट करना है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। प्लस की जगह पे आपको क्या लगाना है, प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट, डिवीजन, एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स व्हाट, मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन होता है, ऑलवेज डिवीजन होता है। सो 255 डिवाइडेड बाय 85 तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 जा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इनटू 16 इनटू 4, 16 4 जा कितना हो जाएगा 64, 64 माइनस 3 प्लस 5, समझ आया क्या किया मैंने, 64 माइनस 3 प्लस 5, 255 डिवाइडेड बाय 85 का आंसर आया 3, 16 4 आया 64, सो 64 माइनस 3 प्लस 5, सो 64 माइनस 3 हो जाएगा 61 प्लस 5 हो जाएगा 66, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ आया होगा, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, FE 25 इज रिलेटेड टू UV 21 in a certain way based on the English alphabetical order, in the same way LK24 is related to OP30, to which of the following is XW15 is related to, which of the following same logic, okay। देखिए क्वेश्चन जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर लगता है जब हम लोग रीड करते हैं तो, क्यों, क्योंकि कुछ उस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, ईजी वे से फ्रेमिंग नहीं है क्वेश्चन की, क्वेश्चन को बहुत कंफ्यूजिंग फ्रेम किया गया है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ये जो तीन लाइन हमने पढ़ी इसका मतलब क्या है, FE 25 इज रिलेटेड टू UV 21, LK 34 रिलेटेड टू OP 30, सो आपको XW 15 रिलेटेड टू वॉट ये पूछा है, समझा, ये तीन लाइन का मतलब होता है ये। सो आपको क्या बोला है, यही सेम लॉजिक लगाना है आपको और आपको बताना है कि XW 15 रिलेटेड टू वॉट, ठीक है। सो देखिए FUEV ये क्या होगी, अपोजिट्स। आप लोगों ने अगर मेरे सारे सेशंस देखे होंगे, मैंने आपको कोर्स में सारी चीज़ें पढ़ाई थी, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था, आप सभी को मैंने बताया था कि लेटर का अपोजिट लेटर पता होना इम्पॉर्टेंट है, जो कि होता है AZBYCXDWEVFUGTHSIRJQKPLOMN। अगर आपको ये सिक्वेंस लर्न है तो आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको क्विकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर आपको अपोजिट लेटर्स नहीं पता है तो आपको कन्फ्यूजन ज़रूर बन सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे अपोजिट लेटर्स का लॉजिक था, FUEV, LOKP, उसी तरह एक्स का क्या हो जाएगा, CX होता है एंड DW होता है, ओके, सो हो जाएगा CD, समझ आया। अब बात करते हैं नंबर की, CD कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी में, आंसर ऑप्शन सी ही आना है। अब आप मुझे बताइए नंबर का लॉजिक क्या रहेगा, 25 का 21 दिया है, 34 का 30 दिया है, वेरी सिंपल, 25 माइनस 4 इज 21 एंड 34 माइनस 4 इज 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 4 इज व्हाट, 11, तो CD 11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ आया। देखिए इस टाइप के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, अगेन ये कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन था, आपको कोडिंग डिकोडिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक्स थे, ओके। अगर आपने सारे सेशंस देखे हैं, सारे छोटे छोटे टेक्निक्स ट्रिक्स जो मैंने आपको समझाई है
वो अगर आपने ध्यान में रखी होगी तो डेफिनेटली आपने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। यहाँ पे अपोजिट जो लेटर्स है उसको इस्तेमाल किया है एंड नंबर में -4 किया है, दैट्स इट। कभी भी क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको करेक्टली समझते हो तो आप आंसर का क्वेश्चन का आंसर भी बहुत इजीली मार्क कर सकते हो और वो भी एक्यूरेटली मार्क कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू अगेन सिलॉलिज्म। देखिए सिलॉलिज्म पे भी क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए थे। हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है सिलॉलिज्म का जो हम लोगों ने देखा। सो देखिए स्टेटमेंट को लेकर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम को बना लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट है ऑल सॉक्स आर ईगल। नेक्स्ट है सम पीग आर ईगल। नेक्स्ट है ऑल कैट आर सॉक्स। ओके, डायग्राम रेडी है। सबसे पहला कंक्लूजन देखेंगे एंड कंक्लूजन को रीड करने के बाद ये देखेंगे कि वो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है क्या। अगर वो नजर आ रहा है दैट मीन्स ट्रू, नहीं आ रहा है दैट मीन्स फॉल्स। सो सम ईगल आर कैट, सम ईगल आर कैट, येस इट इज़ ट्रू एंड नो सॉक्स आर पिक, ये फॉल्स है। ये डायग्राम में देखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? अगर आप लोगों ने मेरे सेशन देखा होगा सिलॉलिज्म का तो डेफिनेटली आपको पता होगा जब भी सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव और आपको निगेटिव कंक्लूजन दिया जा रहा है दैट मीन्स इट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। आपको उस डायग्राम में उसे देखने की भी जरूरत नहीं है। इफ़ ऑल द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, निगेटिव कंक्लूजन ऑलवेज रॉन्ग। ये आपको ध्यान में रखना है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अगर आपके पूरे के पूरे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आने वाला कंक्लूजन अगर निगेटिव है तो वो रॉन्ग ही होगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। ओके, सो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब ओनली वन फॉलोस। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वन क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर सीरीज। अगेन आपको एक सिंपल नंबर सीरीज नजर आ रहा है क्योंकि जो नंबर सीरीज है वो छोटी हो रही है और धीरे धीरे छोटी हो रही है। 150 के बाद 145 आया, मतलब कि -5 हुआ। 145 से 130 हुआ तो -15 हुआ। 130 से 105 हुआ तो -25 हुआ। 105 से 72 हुआ तो -35 हुआ। तो आगे क्या होगा? -45। पहले -5 हुआ, फिर -15 हुआ, फिर -25 हुआ, -35 हुआ, तो -45 होगा। 70 -45 विच इज इक्वल टू व्हाट? 25। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ आया? ठीक है, देखिए नंबर सीरीज के भी पैटर्न होते हैं। मैंने नंबर सीरीज भी बहुत डिटेल में पढ़ा है। जिन लोगों ने भी मेरा नंबर सीरीज का सेशन देखा होगा वो आने वाली कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कैसी भी नंबर सीरीज पूछा जाए वो डेफिनेटली करेगा, क्योंकि नंबर सीरीज जब भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है सबसे पहला जो होता है उसे देखने का नज़रिया कि वो नंबर सीरीज कैसी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है या फिर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है? ठीक है, जब वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स कहीं ना कहीं डिफरेंस है, वही आपको समझना है। सो यहाँ पे जो डिफरेंस था वो था 5, 15, 25, 35, 45 एंड मतलब कि जो +10 का कॉन्जिकेटिव माइनस में आपका डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा था। ओके, सो -45 के आंसर है 25, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी ने इसी तरीके से करेक्ट क्वेश्चन के आंसर मार्क किए होंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑर्डर एंड रैंकिंग। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन में है सो पार्थ रैंक 19th फ्रॉम द टॉप एंड 44th फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको कहा है पार्थ की पोजीशन एक क्लास में बताई जा रही है बॉटम से भी और टॉप से भी। सपोज ये क्लास को कंसिडर करना है एक वर्टिकल लाइन को, आपको ये हुआ आपका टॉप पोजिशन, ये हुआ बॉटम पोजिशन। अब आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पार्थ नाम का जो बच्चा है वो टॉप से 19th पे आता है और बॉटम से अगर देखा जाए तो वो आता है 44th। ओके, सो टोटल बच्चे कितने हैं आपको ये पूछा जा रहा है, तो आपको टोटल करना है तो आप क्या करोगे 19 + 44 करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा 63। तो क्या ये आपका आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए अगर आप मार्क करोगे तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि आपने एक ही स्टूडेंट की पोजीशन दो बार काउंट की। कैसे? टॉप से वो 19th पे आता है और बॉटम से वो 44th आता है। कोई भी स्टूडेंट हो रहो एक क्लास की उसकी क्वांटिटी की बात की जा रही है कि कितने स्टूडेंट्स वहाँ पर है, तो एक बच्चा जो है वो एक ही साइड से काउंट होगा, मतलब उस क्योंकि उसके दोनों साइड की पोजीशन काउंट है तो आपको एक पोजीशन उस बच्चे की माइनस करनी होगी, मतलब ही 63 - 1 विच इज इक्वल टू 62। एंड इसी के बेस मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था ऑर्डर एंड रैंकिंग के सेशन में। आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा अच्छी तरीके से तो ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट मार्क करा होगा विच इज़ ऑप्शन सी 62। जब भी टोटल
पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। एंड सेम स्टूडेंट के बारे में टॉप और बॉटम दोनों पोजीशन दिया जाता है, तो ऑलवेज क्या करना है, टोटल करना है तो दोनों को ऐड जरूर करना है 19 + 44, क्योंकि वो सेम बच्चे की ही पोजीशन है टॉप और बॉटम, लेकिन उसकी एक पोजीशन को ज़रूर माइनस करना है, क्योंकि एक बच्चे की पोजीशन जब हम लोग काउंट करते हैं तो वो एक ही जगह से काउंट होगी, वो दोनों जगह से अगर आप काउंट करोगे तो आप उसी बच्चे को दो बार काउंट करो, जो कि गलत हो जाएगा। एक स्टूडेंट एक ही बार काउंट होना चाहिए, करेक्ट, इसलिए उसकी टॉप पोजीशन लो या फिर बॉटम पोजीशन लो। तो हमने एक पोजीशन माइनस की, मतलब ही 19 + 44 में से आपको एक को माइनस करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा 62। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट वन, अगेन वन क्वेश्चन रिलेटेड टू सिलॉलिज्म। तो आप देख सकते हो 25 में से 4 क्वेश्चन सिलॉक्स पे पूछे गए। ओके, सो 4 नंबर आपको 25 में से, अगर आपने ये टॉपिक प्रिपेयर किया होगा तो ज़रूर आपको 4 नंबर इस टॉपिक से ज़रूर एग्जामिनेशन में सभी को मिले होंगे। ओके, सो स्टेटमेंट, अगेन स्टेटमेंट से आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। नो ब्रिंजल इज अ कैरेट, सम कैरेट आर स्पिनच, ऑल स्पिनच आर जिंजर। ओके, सो देखिए सबसे पहला कंक्लूजन क्या कहता है, नो ब्रिंजल इज अ स्पिनच, नो ब्रिंजल इज अ स्पिनच, ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिंजल का स्पिनच के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना है, ब्रिंजल का कैरेट के साथ बना है। आपको ये बात ध्यान में रखना है, जब भी मैंने आपको नो पढ़ाया था तो आपको एक बात ये बात पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ए और बी को कंसिडर करके करते हैं, नो ए इज अ बी, ये करेक्ट हो जाएगा, नो बी इज अ ए, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगर सी रहेगा और अगर मैं कहूँगी यहाँ पर कि नो ए इज अ सी, तो ये गलत हो जाएगा। इतना पोर्शन जो सी का है मैं इसके बारे में कुछ कह सकती हूँ, लेकिन ये बचा हुआ पोर्शन का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इस सी का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सो इसके साथ में ए और सी का कोई डेफिनेट रिलेशन बना नहीं सकते। समझ आया? इसलिए नो ब्रिंजल इज अ स्पिनच, ये गलत हो जाएगा। इतना ही पोर्शन कैरेट में इन्वॉल्व है, इतने पोर्शन के बारे में अगर कुछ स्टेटमेंट है, कुछ कंक्लूजन है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो पोर्शन बिल्कुल भी ब्रिंजल से जुड़ा हुआ नहीं है स्पिनच का, इसलिए इस पोर्शन के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जो डेफिनेट कंक्लूजन आपको बोला था कि नो ब्रिंजल इज अ स्पिनच, ये गलत हो जाएगा। नो ब्रिंजल इज अ स्पिनच, ये ऑलरेडी नो सम और ऑल, ये एक डेफिनेट सेंटेंसेस, मतलब कि ये डेफिनेट वर्ड्स होते हैं, एंड इस डेफिनेट वर्ड्स को आपको एक बात ध्यान में रखना है, जितना हमें डायग्राम में दिखता है तभी ये करेक्ट होता है, अदरवाइज ये रॉन्ग होता है। क्योंकि हमें ये डायग्राम में इजीली नहीं दिख रहा है नो ब्रिंजल इज अ स्पिनच, मतलब कि हमें रिलेशन कैसा दिखना चाहिए, कुछ इस तरह दिखना चाहिए नो ब्रिंजल इज अ स्पिनच का, जो कि हमें इजीली नहीं नजर आ रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट वन, सम कैरेट आर जिंजर, सम कैरेट आर जिंजर, यस, देखिए ये जो सम पोर्शन है जो हम लोगों ने हाईलाइट किया, ये कैरेट का और जिंजर का ये म्यूचुअली मिक्स्ड अप है, इसलिए सम कैरेट और जिंजर जो है हमें इजीली दिख भी रहा है डायग्राम में, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू। जैसे कि मैंने बताया आपको ध्यान में रखना, ऑल, नो एंड सम, ये एक वर्ड्स जो होते हैं ये जब भी कंक्लूजन में इस्तेमाल किए जाते हैं, डेफिनेट कंक्लूजन जो पूछा जाता है आपको, इसका लिए एक इंपॉर्टेंट नोट ये होती है कि आप जो भी डायग्राम बनाते हो उसमें अगर ये आपको एक्यूरेटली नज़र आ रहा है तभी इसे मार्क कीजिएगा, अदरवाइज इसे पॉसिबिलिटी में मार्क नहीं करना है। पॉसिबिलिटी जब तक दी नहीं गई है आपको, तब तक खुद से कंसिडरेशन नहीं करना है। आपको नो, सम और ऑल में जो डायग्राम में नज़र आ रहा है उसे ही आप मार्क करोगे, अदरवाइज मार्क नहीं करोगे। सबसे पहला जो आपका सिलॉलिज्म का क्वेश्चन गया, मैंने उसको आपको कहा भी है कि उसमें करेक्शन है, आप उसे अच्छी तरीके से देखिएगा, एंड उसके ऊपर आप ज़रूर ऑब्जेक्शन जो है वो ले सकते हो। ओके, सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक क्वेश्चन आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग से पूछा गया है। देर आर 31 स्विमर्स प्रैक्टिसिंग इन अ लेन एंड रोहन इज 11th फ्रॉम द एंड, वॉट इज़ अ पोजिशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए क्या बोला जा रहा है, 31 स्विमर्स है जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं एक लाइन से, ठीक है, एक लेन में 31 स्विमर्स जो है, ये लेन है सपोज, यहाँ पे 31 स्विमर जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, जो रोहन है वो 11th है फ्रॉम द एंड, ये सपोज एंड है, ये एंड से वो 11th है। ओके, टोटल स्विमर्स कितने हैं, 31 है, और जो रोहन है वो एंड पोर्शन है यहाँ से वो 11th है। सो आपको क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ अ पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, किसकी पूछी जा रही है, रोहन की ही पूछी जा रही है। क्या बोला जा रहा है, सो रोहन की स्टार्टिंग पॉइंट से पोजीशन क्या होगी। ओके, अगर वो एंडिंग से 11th है, सो हम लोग क्या करेंगे, 31 में से
11 को माइनस कर देंगे, 31 में से अगर हम लोग 11 को माइनस करते तो आंसर कितना आएगा 20। मतलब ही उसके पहले कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अब उसकी पोजीशन आपको स्टार्टिंग पॉइंट से पूछिए, ये वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट। अगर उसके पहले 20 है और वो एंड से 11वां है, उसके पहले 20 है, तो ये जो पोजीशन उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से रहेगी, दैट इज 21st पोजीशन। समझ आया? इसे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। समझ आया? टोटल स्विमर्स 31 है, वो एंड से 11th पे है, इसी का मतलब ये होगा 31 माइनस 11 मतलब ही उसके पहले 20 लोग है। उसके पहले अगर 20 लोग है लेन में, तो उसकी पोजीशन स्टार्टिंग से कितनी हो जाएगी, 21st हो जाएगी। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। था सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्शन से पूछा गया क्वेश्चन है। डायरेक्शन के क्वेश्चन में जो भी डायरेक्शंस आपको दी गई होती है और जो राइट और लेफ्ट ये दिया होता है, ये आपको स्पेशली अच्छे से करना होता है एंड उसी को ध्यान में रखे, डायग्राम आपको प्रॉपर बनानी होती है, तो आपका आंसर जो है वो भी करेक्ट ही आएगा। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टार्ट करते हैं। बीनित स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ड्राइव्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ओके, बीनित जो है वो पॉइंट ए, सपोज ये हुआ आपका पॉइंट ए, यहाँ से स्टार्ट करता है और वो 12 किलोमीटर वेस्ट के और जाता है। ओके, नेक्स्ट इज ड्राइव 8 किलोमीटर टर्न्स राइट। अब आपको क्या बोला है, अब उसने वेस्ट में आने के बाद राइट टर्न लिया, मतलब ही ऊपर जाएगा और 8 किलोमीटर जाता है, तो ये हुआ उसका 8 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड ड्राइव्स, देखिए यहाँ तक आपका हो चुका था, क्या बोला था, बीनिट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 12 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ही देन टेक अ राइट टर्न, फिर हमने राइट टर्न लिया एंड ड्राइव 8 किलोमीटर। ओके, इतना प्रॉपर हुआ। फिर अगेन क्या बोला जा रहा है, टर्न राइट। देखिए क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना है, अदरवाइज मिस्टेक होगी। फिर से राइट टर्न लिया है, नॉर्थ में है, अगर फिर से राइट टर्न ले रहा है तो इस साइड जाएगा और वो कितना ड्राइव कर रहा है, 12 मतलब इतना हो गया और बचाओ 14 मतलब ये 2 रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से इंडिकेट कीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। बिकॉज जब भी डायरेक्शन करते हैं तो मिस्टेक होती है, हम लोग कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं। आपको जब पता है कि इतना डिस्टेंस 12 है, तो आप बीच उससे छोटा लेके 14 कंसिडर करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी। अगेन आपने अगर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, जो डायरेक्शन मैंने आपको पढ़ाया, तो डेफिनेटली ये सारी बातें आपको पता होगी। ओके, सो ये 12 + 2 14 हो जाएगा, मतलब कि एक राइट टर्न लिया उसने नॉर्थ से, राइट टर्न मतलब कि इस साइड में आएगा और वो 14 किलोमीटर उन्हें ड्राइव किया, यहाँ तक आ जाएगा 12, बचा हुआ 2। ओके, बढ़ते आगे। अब ये जो है यहाँ पे रुका हुआ है, ही देन टेक अ राइट टर्न, फिर से राइट टर्न, मतलब कि ये पोजीशन थी ईस्ट, इससे राइट मतलब नीचे जाएगा, फिर कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 12, मतलब ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा बचा हुआ 4। समझ आया? ठीक है, सो ये हुआ राइट, ये हुआ 14 किलोमीटर ड्राइव किया राइट टर्न लेने के बाद। अब आ गया साउथ में, साउथ में आने के बाद क्या बोला है, फिर से राइट टर्न लिया जा रहा है, तो राइट टर्न किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, करेक्ट, और ड्राइव कर रहा है 2 किलोमीटर। ये हुआ साउथ में आने के बाद राइट टर्न लिया, मतलब इस साइड आएगा, फिर से 2 किलोमीटर किया, मतलब कि इतना आएगा, देखिए 2 मतलब इतना ही। ठीक है, यहाँ पे वो रुक जाएगा। फिर क्या बोला है, स्टॉप एट अ पॉइंट पी, ये पॉइंट पी पे वो रुक गया। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ फार, मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। सो नेक्स्ट आपको क्या बोला जा रहा है, हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन, ऑल टर्न्स आर 90° टर्न्स ओनली अनलेस स्पेसिफाइड। देखिए आगे आपको क्या बोला जा रहा है कि अब ये पी जो है इसका एंड पॉइंट आ चुका है, यहाँ पे वो रुक चुका है, तो आपको ये पूछा जा रहा है इस पॉइंट से जब वो ए के तरफ ड्राइव करेगा तो उसे कितना ड्राइव करना होगा, एट द सेम टाइम वो क्या डायरेक्शन रहेगा। ओके, सो इतना ही सिंपल उनको पूछना था, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी हो सकता था, बट अननेसेसरी 3 लाइंस में आपको थोड़ा डिफिकल्ट उसको करके पूछा जा रहा है। एंड आपको एक नोट भी दी जा रही है कि ऑल टर्न्स आर 90° टर्न्स ओनली अनलेस स्पेसिफाइड। ओके, जैसे कि मैंने आपको सभी को बताया ऊपर में कि कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता है, तो आपको वो रीड जरूर करनी, उसे समझना जरूर है, लेकिन उसका जो कंक्लूजन निकल के आता है वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ध्यान में रख के आपको आंसर मार्क करना है। अननेसेसरी वहां पे बहुत बड़ा पॉज लेके आपका टाइम स्पेंड नहीं करना है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा, पी से अगर वो ए की तरफ ड्राइव करेगा तो आप लोग यहाँ पे ये जो है देख सकते हो, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर्स का, एंड डायरेक्शन जो हो जाएगा पी जब ए के तरफ जाएगा तो वो डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अब सभी को ये जो भी क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने शिफ्ट 1 के डिस्कस किए 25 क्वेश्चन वो सारे समझ आए होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे एंड आई होप सभी ने सारे 25 out of 25 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट भी किए होंगे। ओके, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले अभी आपका टीयर 1 का एग्जामिनेशन हो चुका है, इसका आंसर की भी आ चुका
चुका है। एंड अगर आप सभी को टीयर टू के लिए प्रिपेयर करना है तो कोर्स हम लोगों ने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है, कम्प्लीटली रिकॉर्डेड कोर्स है। आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करना है और अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट करनी है। ओके, सो प्ले स्टोर पर जाइए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एंड टीयर टू का जो कम्प्लीट इलेक्ट्रिकल का कोर्स है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए फॉर योर टीयर टू एग्जामिनेशन। ओके, सो गेटको का अभी जेई का एग्जामिनेशन हुआ, अभी अपकमिंग जो है वो पीए पीओ का एग्जामिनेशन होने वाला है, विद्युत सहायक का, प्लांट अटेंडेंट एंड प्लांट ऑपरेटर का। सो इसका टीयर वन का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अगेन आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट को आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हमारे जो पैटर्न्स मैंने पढ़ाए थे, जो टॉपिक्स मैंने जेई के लिए रिकमेंड किए थे, उसी में से हमें क्वेश्चंस देखने मिले, चाहे वो रीजनिंग रहो, इंग्लिश रहो, मैथमेटिक्स रहो, कंप्यूटर नॉलेज रहो। तो आप लोग उसी तरीके से इस कोर्स को ज्वाइन करके भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस कोर्स को आज ही ज्वाइन कीजिए और अपना टीयर वन का प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कीजिए। ओके, सो इस कोर्स को किस तरीके से आप ज्वाइन करोगे, आपको सबसे पहले कैपिट्यूड्स का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है अपनी, उसे रजिस्टर करना है। एंड आफ्टर दैट पेड कोर्स की टैब में अगर आप जाते हो तो आपको गेटको का, विद्युत सहायक का, प्लांट अटेंडेंट एंड प्लांट ऑपरेटर का कोर्स मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो एंड अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से जैसे ही आप टीयर वन के लिए प्रिपेयर करें उसी तरीके से आप टीयर टू के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। टीयर टू का कोर्स आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। देखिए, प्लांट अटेंडेंट, प्लांट ऑपरेटर और जेई, इन दोनों के लिए जो है टीयर टू के कोर्सेज अपलोडेड है। ये दोनों कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर टीयर टू एग्जामिनेशन। ओके, दोनों कोर्स ज्वाइन कीजिए और साइमल्टेनियसली अपना टीयर टू का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कीजिए और इस साल के एग्जामिनेशन में जो है अपना एज अ जेई और एज अ पी ए पी ओ सिलेक्शन लीजिए। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं हम लोग अभी रीजनिंग का सेकेंड शिफ्ट। ओके, सो इसमें का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, विच इज़ फ्रॉम द नंबर सीरीज, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि नंबर सीरीज जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। 60 के बाद 80 आया, 80 के बाद 98 आया। ओके, सो आप लोग इससे ये अनुमान लगा सकते हो कि ये जो सीरीज है ये छोटी छोटी बढ़ रही है, दैट मीन्स ये कुछ तो एडिशन हो रहा है। ओके, सो सीरीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं सो दैट आपको अच्छी तरीके से समझ आए। ओके, सो 60 से 80 की ओर जा रही है, मतलब प्लस 20 हुआ है। 80 से 98 मतलब कितना हुआ है, प्लस 18 हुआ है। ओके, 98 से 114 मतलब प्लस 16 हुआ है। 114 से 128 मतलब प्लस 14 हुआ है। एंड 128 प्लस फिर क्या होगा, तो आप लोग देख पा रहे हो एडिशन हो रहा है, लेकिन उस एडिशन में भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 20 फिर 18 फिर 16 प्लस 14 मतलब माइनस 2 हो रहा है, तो 14 के बाद क्या आएगा, 12, तो प्लस 12 होगा। 128 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 140। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। समझ आया, सीरीज जो है वो थोड़ी थोड़े नंबर से बढ़ रही थी, मतलब ही कुछ एडिशन होगा, बट जो एडिशन हो रहा था वो भी कुछ इस तरीके से आ रहा था, 20, 18, 16, 14, मतलब आने वाला नंबर क्या रहेगा, 12। ओके, सो प्लस 12 मतलब 140, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वेंकट रैंक 17th फ्रॉम टॉप एंड 36th फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। सो विख्यात की यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे कि आप लोगों को शिफ्ट वन में भी एक सेम क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी। सेकेंड शिफ्ट में भी आपको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने मिला है, जहाँ पे एक पर्सन की, एक जो स्टूडेंट है उसकी टॉप पोजीशन भी बताई जा रही है, उसकी बॉटम पोजीशन भी बताई जा रही है। तो ये विख्यात नाम का जो लड़का है, इसका पोजीशन टॉप से बताया गया है 17th एंड बॉटम से बताया गया 36, और आपको पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए। तो आपको क्या करना है, 17 प्लस 36 करना है, विच इज इक्वल टू वॉट, 53। ओके, लेकिन क्योंकि विख्यात की पोजीशन हम लोगों ने टॉप और बॉटम दोनों भी इंक्लूड किए, तो आपको एक पोजीशन जो है वो माइनस करनी रहेगी। सो हम लोग करेंगे माइनस 1, तो आंसर हो जाएगा 52, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ा है, जब भी आपको एक स्टूडेंट के बारे में टॉप और बॉटम पोजीशन दी जाती है और आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा जाता है, तो दोनों का एडिशन करना है, उसकी टॉप और बॉटम पोजीशन को ऐड करना है एंड उसकी एक कोई तो भी पोजीशन को माइनस करना रहेगा, तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास में कितने वो पता चल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू अल्फा न्यूमरिक सीरीज। अगेन ऐसा भी क्वेश्चन हमें फर्स्ट शिफ्ट में देखने मिला था,
सो इस क्वेश्चन में भी आपको जो बोला जा रहा है यहाँ पे ये बोला जा रहा है इफ ऑल द लेटर्स आर ड्रॉ फ्रॉम दिस सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट. उस क्वेश्चन में हमने देखा था जहाँ पे सिंबल्स को ड्रॉप किया गया था, इस क्वेश्चन में लेटर्स को ड्रॉप किया जा रहा है. सो आपको क्या करना है, सारे लेटर्स को ड्रॉप करना है, मतलब ही इग्नोर करना है, एंड बताना है कि राइट से फिफ्थ नंबर पर कौन है. सो राइट आपको पोजिशन ऑलरेडी मैंशनड है. सो राइट से आपको लेटर्स को ड्रॉप करना है, मतलब लेटर्स को इग्नोर करोगे, एंड फिफ्थ आपको बताना है. एक तो आपको सिंबल आएगा या फिर आपका आंसर नंबर आएगा, लेटर नहीं आना चाहिए क्योंकि लेटर्स को क्या करना है, ड्रॉप करना है, मतलब ही इग्नोर करना है. सो 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, विच इज 3. समझ आया, सारे लेटर्स को ड्रॉप करने के बाद राइट से फिफ्थ पे कौन है, तो वो है 3, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन फ्रॉम दी सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें सर्क्यूलर सिटिंग पूछा जा रहा है, एंड अगेन आप अगर काउंट करते हो तो 7 मेंबर्स का ही सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया. सो शिफ्ट 1 से जैसा क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक तो ऐसा ही नजर आ रहा है कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही देखने मिला है. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, 2 सर्कल बनाएंगे जहां पे 7 लोग बैठे हुए हैं. ओके, अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 2 सर्कुलर अरेंजमेंट बना के रखे, सो दैट 2 कंडीशंस आती है तो हम लोग वहां पे बना सके. सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड एम व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई. अगेन देखिए पहला सेंटेंस ऐसा बोला गया कि 2 लोग बैठे हैं ई और एम के बीच में, जब हम लोग ई से राइट की ओर काउंट करते हैं तो ई और एम के बीच में 2 लोग बैठे हुए आपको दिखेंगे, सिर्फ 2 लोग. ओके, सो ये सेंटेंस को आप लोग बैठा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बैठा सकते हो, बट मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी, ऐसा सेंटेंस पिक कीजिए जिससे आपके मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो प्लेस हो सके. सो हम लोग सेकेंड सेंटेंस की ओर चलेंगे, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एल एंड जी. ओके, और देखिए जी से रिलेटेड नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका नेक्स्ट सेंटेंस भी जी से रिलेटेड है. सो कहीं ना कहीं जी से अगर हम लोग ये सेंटेंस को लेकर बैठाते तो आने वाले 3 सेंटेंस को हम लोग इजीली प्लेस कर पाएंगे. ओके, इसलिए ये सेंटेंस को हम लोग लेंगे, ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन एल एंड जी. सो एल को मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ, 1, 2, 3, तो जी आपका यहाँ पे आ जाएगा. ओके, बट यहाँ पे आपको क्या बोला है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जी, जी के राइट से जब आप काउंट करोगे तभी 3 लोग आने चाहिए एल और जी के बीच में. ओके, सो आपका जी जो फाइनली प्लेस हो जाएगा वो कहाँ पे प्लेस होगा, तो वो यहाँ पे प्लेस होगा. ओके, सो जी और एल हम लोगों ने बैठा दिया है क्योंकि हमको क्या बोला था कि एल और जी में सिर्फ 3 ही लोग बैठेंगे जब हम लोग जी के राइट से काउंट करेंगे. तो आप लोग जी से राइट से काउंट कीजिए, तो यहाँ पे एल जो है देखिए 3 ही पोजिशन छूट रही है, 1, 2, 3. समझ आया, ठीक है, बढ़ते आगे. नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, एन सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, एन सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, मतलब एम कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, करेक्ट. नेक्स्ट इज व्हाट, एच सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, एच सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी. अब देखिए टी जो है वो बैठा हुआ है क्या, नहीं बैठा हुआ है, ठीक है. सो हम लोग क्या करेंगे, टी के इमीडिएट राइट में क्या बैठा है, एस बैठा हुआ है. सो हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे कि टी के इमीडिएट राइट में एस है. ओके, सो इस तरीके से हम लोग रफ में उसको लिख कर रख देंगे, ये हमें बैठाना होगा. आगे आपको क्वेश्चन पूछा है लेकिन हमने पहला सेंटेंस जो है वो छोड़ा था. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 2 लोग जो है वो ई और एम के बीच में बैठे हुए, जब हम लोग ई से राइट की ओर काउंट करते हैं तो ई और एम के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग बैठे हुए. ओके, सो ई कहाँ पे होगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ई जो है वो यहाँ पे बैठेगा. देखिए आप, ये हो जाएगा ई का राइट, सो ई के राइट से अगर हम काउंट करते तो सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ई और एम के बीच में बैठे हुए. ओके, सो ये था हमारा जो फर्स्ट कंडीशन हमने स्किप किया था, वो हम लोगों ने प्लेस कर दिया है. अब हमारे पास एक ही कंडीशन बची है जो कि हमने रफ में साइड में लिखी थी, विच इज व्हाट, कि टी के इमीडिएट राइट में एस बैठा हुआ है, टी के इमीडिएट राइट में एस बैठा है, तो टी यहां पे होगा और इमीडिएट राइट जो एस है वो यहां पे प्लेस हो जाएगा. सो यहां पे हमारी 7 लोगों की जो अरेंजमेंट थी सर्कुलर सिटिंग वो बैठ चुकी है. एंड अब आपका क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, विच इज व्हाट, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एच एंड एल व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एल. सो एच और एल की यहां पे बात की जा रही है. ओके, सो ये जो कोई यहाँ पे जो खाली पेस है, यहाँ पे कोई नहीं बैठा है, मतलब H बैठा हुआ है. ओके, सो ये हो गया आपका H, और आपको H और L के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं ये आपको पूछा जा रहा है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये दी गई है कि आपको L के राइट से काउंट करना है. ओके, सो L के राइट से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही
जो पर्सन है वो एल और एच के बीच में बैठा हुआ है, अगर हम लोग एल के राइट से काउंट करते हैं जो कि है ई, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1। समझ आया? सो देखिए, जो सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था आप सभी को, वो सिंगल क्वेश्चन के ऊपर पूछा गया था। ऐसा नहीं था कि उस सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट था जो कि बहुत सिंपल था, बहुत डुएबल था, ईजिली उसका आपको एक डायग्राम बनाना है एंड उसी के ऊपर आपको एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर करना है। इस तरीके का आपको सिटिंग अरेंजमेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ओके, आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट मार्क किया होगा। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम सिलोलिज्म। सो स्टेटमेंट में सबसे पहला स्टेटमेंट है सम पियोन आर क्लर्क। ओके, नेक्स्ट वन है नो क्लर्क आर असिस्टेंट एंड नेक्स्ट इज ऑल असिस्टेंट्स आर एग्जीक्यूटिव। ओके, सो हमने स्टेटमेंट को लेकर डायग्राम को रेडी कर लिया है, अब हमें कंक्लूजन को देखना है। फर्स्ट कंक्लूजन इज वॉट, सम असिस्टेंट आर क्लर्क। सम असिस्टेंट आर क्लर्क अगर मैं डायग्राम में देखूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है, और इनफैक्ट असिस्टेंट और क्लर्क का नेगेटिव रिलेशन नजर आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज वॉट, सम क्लर्क आर एग्जीक्यूटिव। क्लर्क और एग्जीक्यूटिव का भी हमें सम का रिलेशन डायग्राम में नहीं नजर आ रहा है, इसलिए भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए, मैंने जैसे कि आपको कहा है, जब भी एक डेफिनेट कंक्लूजन आपको दिया जाता है वो आपको डायग्राम में देखना होता है, अगर वो सेम रिलेशन आपको एज इट इज डायग्राम में नजर आता है तो इट इज ट्रू, और अगर नहीं नजर आता है दैट मीन्स इट इज फॉल्स। और सम हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सम ए आर बी, तो ये ऐसा रिलेशन हमें दिखना चाहिए जो कि हमें असिस्टेंट और क्लर्क के बीच में भी नहीं दिखा एंड क्लर्क एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में भी नहीं दिखा, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे एंड इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। ओके, मरते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर 1928746 इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट व्हिच आर फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट इन द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड। तो एक मिसलेनियस क्वेश्चन में आता है जहां पे आपको कुछ कंडीशंस दी होती है एंड उस कंडीशंस को लेके आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना होता है। सो ये मिसलेनियस क्वेश्चन में भी आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे, अगर आपने देखा होगा तो भी आप कर सकते हो, अदरवाइज भी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या बोला जा रहा है कि ये जो 1928746 है इसको आपको सबसे पहले एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। ओके, सो क्या हो जाएगा, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो फर्स्ट है लेफ्ट हैंड से जो पहला है विच इज व्हाट 1, और जो राइट हैंड से फर्स्ट है जो कि है 9, इन दोनों की क्या करना है आपको, इन दोनों की आपको एडिशन करनी है, सम करनी है, ठीक है, जो कि आएगी 9 + 1 = 10। सो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 10। यही आपको पूछा था, एक नंबर दिया था उसको फर्स्ट असेंडिंग में कन्वर्ट करना है, असेंडिंग में कन्वर्ट करने के बाद आपको लेफ्ट से फर्स्ट लेटर एंड राइट से फर्स्ट नंबर जो है उन दोनों की सम करनी थी, तो 9 + 1 = 10, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन अगेन फ्रॉम दी सिटिंग अरेंजमेंट, एक लाइन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट पूछी गई थी, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में भी एक लाइन बेस्ड अरेंजमेंट पूछी गई थी एंड एक सर्कुलर पूछी गई थी, उसी तरीके से सेम आपको देखने मिल रहा है शिफ्ट 2 में भी। ओके, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने मेंबर्स है उसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो एक लाइन में 7 लोगों को बैठाना है, सबके सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं, पहला सेंटेंस रीड करते हैं, A6 थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन, एक लाइन के राइट एंड से थर्ड पे जो बैठा है विच इज ए, तो एक लाइन बनाएंगे हम लोग जिसमें 7 मेंबर्स की जगह बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, जिसमें से ए जो है वो राइट एंड से, ये हुआ आपका राइट एंड, ये हुआ आपका लेफ्ट एंड, इसमें से राइट एंड से थर्ड पे बैठा हुआ है ए। सो इस तरीके से हम लोग ए को फिक्स कर देंगे, बिकॉज सिंपली बोला है कि ए इज सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। ओके, नेक्स्ट एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, एफ जो है वो ए के सेकेंड राइट में बैठा है, मतलब ये क्या पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे, बिकॉज ए का सेकेंड राइट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज ए इज फेसिंग व्हाट, नॉर्थ, ए मतलब ही ऑल आर फेसिंग नॉर्थ बोला है, तो नॉर्थ में राइट होता है इस साइड और लेफ्ट होता है इस साइड। ओके, सो ए के सेकेंड राइट में एफ यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ओनली फोर पीपल सिट बिटवीन एफ एंड डी, तो एफ यहाँ पे बैठा हुआ है, 4 लोग एफ और डी के बीच में बैठेंगे, मतलब ये 4 प्लेस को स्किप करना होगा, 1, 2, 3 एंड 4,
तो डी आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, करेक्ट। मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस, सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट में जो है वो सी बैठेगा, मतलब ये जी और सी के लिए आजू बाजू में दो जगह चाहिए। अब आजू बाजू में दो जगह इस सिटिंग अरेंजमेंट में कहाँ पे खाली है, तो ये यहीं पे खाली है, मतलब जी यहाँ पे होगा और सी यहाँ पे होगा, जी के इमीडिएट राइट में सी बैठा हुआ है, करेक्ट। मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस, ई सिट्स वन ऑफ द पोजिशन टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में ई बैठा हुआ है, क्या बोला है, ई जो है वो बी के वन ऑफ द पोजिशन राइट में है, ई सिट्स वन ऑफ द पोजिशन टू द राइट ऑफ बी, तो बी आपका यहाँ पे होगा और ई आपका यहाँ पे होगा। आपका जो एक सिंपल लाइन का, जो स्ट्रेट लाइन का नॉर्थ फेसिंग का सिटिंग अरेंजमेंट आपको पूछा गया था, वो आपके सामने रेडी हो चुका है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी, सो आप लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हो ए और बी के बीच में तीन लोग बैठे हैं, डी जी एंड सी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री, बट थ्री क्योंकि नहीं है सो आंसर हो जाएगा मोर देन टू, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ आया होगा, बढ़ते आगे एंड देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज व्हाट, 35 इज रिलेटेड टू 71 फॉलोइंग द सर्टेन लॉजिक, फॉलोइंग द सेम लॉजिक 14 इज रिलेटेड टू 29, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज 45 रिलेटेड फॉलोइंग द सेम लॉजिक। देखिए मैंने जब भी ऊपर पढ़ाया तब भी मैंने आपको कहा क्या हो रहा है ना, कि आपको एक क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जा रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन को पूछने का, फ्रेमिंग करने का तरीका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किया है। सिंपल है, इसका मतलब ये होता है 35 इज रिलेटेड टू 71, 14 इज रिलेटेड टू 29, इसी सेम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि 45 इज रिलेटेड टू व्हाट, और वहां पे फिर से इतनी बड़ी नोट आपको लिख के दे दिए कि ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर विदाउट ब्रेकिंग डाउन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिट, और वहीं पे यही बोला है कि 13 को एज अ 13 कंसिडर कीजिए, उसको 1-3 में ब्रेक डाउन मत कीजिए, एज अ 13 को एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी ऑपरेशन लगाना है उसको होल नंबर कंसिडर करके आपको उसे सॉल्व करना है। सो अननेसेसरी इतना बड़ा वाला आपको ये क्वेश्चन बना के दिया है, अगर उन्होंने बहुत सिंपल वे में भी इस क्वेश्चन को वो पूछ सकते थे, बट क्योंकि उनको स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना होता है, उनको ये दिखाना होता है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स जब एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं उनको ऐसा लगता है इट इज़ नॉट डूएबल और वो स्किप कर देते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कभी ये मत प्रेडिक्ट करना कि हम ये कर नहीं सकते, फर्स्ट रीड करना है, समझना है, देन एंड ओनली देन अपना जो है कॉल देना है कि इट इज़ डूएबल और नॉट। सो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 35 इज रिलेटेड 71, 14 इज रिलेटेड 29, सो 45 इज रिलेटेड व्हाट 91, ईजीली डायरेक्टली समझ में आ रहा है, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 तो इंटू 2 प्लस 1 होगा 45 इंटू 2 90 प्लस 1 इज 91, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हो 35 इंटू 2 70 होता है, 70 प्लस 1 इज 71, 14 इंटू 2 28 होता है, 28 प्लस 1 इज 29, तो 45 इंटू 2 इज 90, 90 प्लस 1 इज 90, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके नेक्स्ट वन, देखिए आपकी अगर आप प्लांट अटेंडेंट का आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, जो भी चीजें मैं आपको अभी बता रही हूं कि आपको एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो आपको छोटी छोटी जो भी स्ट्रैटेजीज पता चल रही है वो सारी स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रखना है, और आने वाले एग्जामिनेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, और इजीली और बिना कोई भी प्रेशर के कामली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द डायरेक्शन, देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे रीड करेंगे वैसे वैसे डायग्राम को बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन के क्वेश्चन को भी पूरा रीड किया जाता नहीं है। ओके राकेश स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, राकेश ने क्या किया, ए से जो है अपना जर्नी स्टार्ट किया है, ड्राइव करता है इस डायरेक्शन में और 12 किलोमीटर जाता है। ओके सो हम लोगों ने ए पॉइंट बनाया, वहां से 12 किलोमीटर इस डायरेक्शन जो है बना दिया है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था गाइज, आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे तो आपको पता होगा वहां पे वो वेस्ट में जाता है सबसे पहले, अब ये ईस्ट में जा रहा है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेंथ भी इनफैक्ट पूरी सेम है। ओके सो ए जो है वो 12 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। ओके उसके बाद क्या बोला जा रहा है, देन ही टेक अ लेफ्ट टर्न, अब मुझे बताइए ईस्ट से लेफ्ट टर्न मतलब कि ऊपर जाएगा, और ड्राइव करता कितना है 9 किलोमीटर, तो ऊपर जाएगा और 9 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। देखिए उसके बाद क्या बोला जा रहा है, टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 13 किलोमीटर, अब फिर से लेफ्ट टर्न लिया, नॉर्थ में लेफ्ट टर्न मतलब कि इस साइड जाएगा, अब 13 किलोमीटर कर रहा है तो ये होगा आपका 12 और ये बचा हुआ 1 किलोमीटर ये हो जाएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा, मतलब विच इज इन वेस्ट डायरेक्शन। अगेन टेक अ लेफ्ट टर्न, वेस्ट से फिर से लेफ्ट टर्न ले रहा है, मतलब ही नीचे जाएगा और कितना ड्राइव कर रहा है 11 किलोमीटर, मतलब कितना हो जाएगा ये आपका 9 हो गया यहाँ तक का, बचा हुआ ये हो जाएगा 2, मतलब ये हो गया आपका अभी साउथ डायरेक्शन। ओके अब आगे क्या बोला है, फाइनली एक और लेफ्ट टर्न लिया है, साउथ से लेफ्ट मतलब कि इस डायरेक्शन में जाएगा एंड ड्राइव 1 किलोमीटर,
किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ट्रैवल 1 किलोमीटर करने के बाद स्टॉप कर दिया एट दी पॉइंट पी। सेम क्वेश्चन था 25th क्वेश्चन, आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, ए और पी पॉइंट था वहाँ पे, सिर्फ पहले वो वेस्ट में जाता है और फिर राइट टर्न लेता है, यहाँ पे इसकी ओर जा रहा है, पूरे लेफ्ट टर्न ले रहा है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में, कोई भी डिफरेंस नहीं था। क्वेश्चन पूछने का तरीका भी आई गेस सेम दिख रहा है, हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच अ पॉइंट ए अगेन, ऑल टर्न्स आर 90 डिग्री ओनली अनलेस स्पेसिफाइड, वेरी सिंपल। तो आपको यही पूछा जा रहा है कि पी से ए की ओर बढ़ने के लिए वो और कितना ट्रैवल करेगा, और आपको ये पूछा जा रहा है कि वो डायरेक्शन क्या रहेगा। ओके, सो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस रहेगा ये कितना रहेगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका, आप देख पा रहे होंगे ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर, और ए का अगर डायरेक्शन पूछते हैं फ्रॉम द पॉइंट पी तो वो हो जाएगा आपका नॉर्थ, तो आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर टू दी नॉर्थ, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अननेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे इग्नोर करना है, एक्चुअल जो सेंटेंस में डेटा दिया है उसे समझना है एंड क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन जो था दैट इज फ्रॉम द कोडिंग डिकोडिंग इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, बॉर्न इज कोडेड एज 9012, रोब इज कोडेड एज 0917, व्हाट इज द कोड फॉर ई इन दैट कोड लैंग्वेज। ओके, सो यहाँ पे आपको अगेन ऐसे क्वेश्चन भी सेम आपको लोगों को ऊपर देखने मिले होंगे, बी ओ आर एन, ठीक है, जिसका कोड क्या है 9012, आर ओ बी ई जिसका कोड क्या है 0917, तो आपको ई का कोड पूछा जा रहा है, किसका कोड पूछा जा रहा है ई का। अब आप देख सकते हो बॉर्न और रोब में ओ आर बी ये तीनों कॉमन है, तो वो तीनों अगर लेटर्स कॉमन है तो उन तीनों लेटर्स के साथ कौन सा नंबर कॉमन है, 901 एंड 091, ये तीनों लेटर्स कॉमन हो गए, तो जो बचे हुए लेटर्स है वो उनके बचे हुए लेटर्स के हो जाएंगे, बचा हुआ जो नंबर है वो उसका बचा हुआ लेटर का कोड हो जाएगा। सो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे ई का कोड क्या रहेगा, ई का कोड हो जाएगा 7, क्योंकि आर ओ बी ई का कोड था 0917, और 091 और 901 ये दोनों में कॉमन है, मतलब कहीं ना कहीं 90 और 1 ये वो ओ बी ओ और आर में का कोडिंग है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो लेटर्स है और तीनों जो नंबर है ये तीनों कॉमन है, तो उनका अपने को आइडेंटिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये बोला है कि ई का कोड क्या रहेगा, तो बचा हुआ जो रहेगा नंबर विच इज 7 वो आपका ई का कोड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन था। ओके, सो कोई अभी तक के हमें शिफ्टों में चेंजेस नहीं देखने मिले रीजनिंग के, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फ्रॉम सिलॉक्स, सो देखिए स्टेटमेंट से डायग्राम रेडी करते हैं। सम सनग्लासेस आर एविएटर, ऑल एविएटर आर वेफरर्स एंड ऑल वेफरर्स आर आईवेयर। सो सबसे पहला कंक्लूजन हम लोग देखते हैं, ऑल एविएटर्स आर आईवेयर। सबसे पहला कंक्लूजन आपको क्या पूछा जा रहा है, ऑल एविएटर्स आर आईवेयर। यस, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑल एविएटर्स आर आईवेयर, ये इजीली आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, दैट मीन्स इट इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज सम वेफरर्स आर सनग्लासेस। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये भी जो सम का रिलेशन है बिटवीन सनग्लासेस एंड वेफरर्स, ये भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो ट्रू। सो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन सी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑर्डर एंड रैंकिंग, आपको बोला जा रहा है इन अ क्लास ऑफ 70 पूजा रैंक इज 15th फ्रॉम द फर्स्ट, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ऑर्डर एंड रैंकिंग से पूछा गया है, ये दूसरा क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो यहाँ पे एक क्लास में बोला गया कि 70 टोटल स्टूडेंट्स है जिसमें से स्टार्टिंग में से जो पूजा रैंक करती है वो 15th नंबर पे वो रैंक करती है। ओके, ये हुआ स्टार्टिंग पॉइंट। सो आपको पूछा जा रहा है ये जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ से उसका रैंक जो है वो क्या होगा। ओके, ये आपको पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 70 में से 15 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ओके, तो 70 में से अगर आप 15 को माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ओके, 55 आ जाएगा। सो आप लोगों ने 15 को माइनस कर दिया, मतलब ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो स्टूडेंट बचे वो कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। ओके, अगर इस साइड में 55 स्टूडेंट्स जो है वो बचे हुए हैं और आपको पूजा का रैंक पूछा है फ्रॉम दी एंड से, सो ये थे 55, तो ये जो पोजिशन आएगी पूजा की, ये आ जाएगी 56th पोजीशन फ्रॉम दी लास्ट।
ओके सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि हमने स्विमर्स का क्वेश्चन किया था 31st वाला, उसी तरीके से ये पूजा का क्वेश्चन है जिसमें क्लास की बात की जा रही है। टोटल 70 स्टूडेंट्स है क्लास में, जहाँ से स्टार्टिंग से पूजा जो है वो 15th रैंक कर रही है। सो आपको एंडिंग पोजिशन पूछा जा रहा है, स्टार्टिंग से वो 15th है तो आप 70-15 कर दोगे तो बचेंगे कितने 55। अब 55 करोगे तो 55 क्या रहेंगे, पूजा के बाद के स्टूडेंट्स ओके। पर पूजा का आपको रैंकिंग पूछा है फ्रॉम दी लास्ट, सो 55 के बाद अगर लास्ट से मैं काउंट करूँ तो वो 55 के बाद लास्ट से उसका जो रैंक आएगा विच इज 56। ओके सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके आई होप सभी को अभी तक के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर द सेकंड नंबर इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग अ सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द फर्स्ट नंबर, विच नंबर शुड बी रिप्लेस बाय एक्स एंड वाई सो दैट द पैटर्न फॉलोड बाय द टू नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इज द सेम एज दैट ऑफ द राइट साइड ऑफ, नोट ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर इन टू देयर कॉन्सोनेंट डिजिट। सेम अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने शिफ्ट वन में पढ़ा है। सो यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू जो है पता करना है। उन्होंने आपको क्या बोला है कि आपका जो फर्स्ट नंबर है उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए तब आपको सेकेंड नंबर मिला है। ओके सो आपको बताना है कि एक्स और वाई की जगह पे क्या लगेगा। तो मैंने आपको क्या कहा है, आप इसको बाय ऑप्शन सॉल्व करोगे। ओके सो साइड में हम लोग लिख लेते हैं एक्स इज टू 30, मतलब कि एक्स जो है वो उसका रिलेशन 30 के साथ है और 8 का रिलेशन जो है वाई के साथ है। तो आपको बताना है कि एक्स की जगह पे क्या आएगा और वाई की जगह पे क्या आएगा। ओके और आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो 30 आता है इसमें आप कुछ ना कुछ, मतलब ये एक्स में आप कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओगे तब आपको 30 मिलेगा। गॉट इट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है ए, एक्स की वैल्यू 5 कंसिडर करते हैं। तो 5 से 30 की ओर जाना तो 30 कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई करके, तो 5 6 30। ओके सो उसी तरीके से वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 80 दिया है। सो 8 6 अगर करती हूँ मैं तो 48 आ रहा है क्या, नहीं 80 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन ने वर्क नहीं किया, एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो वैलिड नहीं रही। अब मैं क्या करूँगी, एक्स के जगह पे बी ऑप्शन जो है वो पुट करूँगी, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 72। ओके सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 5 6 क्या होता है, 30 होता है। ओके 5 6 कितना होता है, 30 होता है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या आएगा, 8 6 48, तो 48 है कि यहाँ पे नहीं। लेकिन एक और लॉजिक लग सकता है, वो लॉजिक क्या है कि 5 के बाद 6 आता है, कॉन्जिकेटिव नंबर आता है, तो कॉन्जिकेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया तो 30 है, तो 8 के बाद 9 ये कॉन्जिकेटिव नंबर लेते हैं तो 8 9 72। ये सेकंड लॉजिक जो हमने लगाया तो उससे हमें आंसर मिला है। दैट मीन्स जो पैटर्न हमने सोचा कि कॉन्जिकेटिव नंबर का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 के पास जो 6 आता है उससे जब हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 30 मिल रहा है। तो उसी तरह 8 अगर कंसिडर करते हैं तो 8 के बाद 9 आता है, 8 9 72। तो यस आपका जो लॉजिक जो आपने लॉजिक लगाया है लेफ्ट हैंड साइड में, वो सेम लॉजिक जब आप राइट हैंड साइड में लगा रहे हो तो दोनों जगह से आपको एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो प्रूव हो रहा है कि वो 5 और 72 करेक्ट है, दैट मीन्स इट इज ट्रू। ओके एक काम कर लेते हैं, सी और डी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमने जो लॉजिक लगाया बी में उसके अनुसार हमने आंसर तो निकाल लिया है, लेकिन सी और डी में क्या हमारा आंसर निकल पा रहा है क्या। ओके सो सी में एक्स का वैल्यू कितना है, 4 है। ओके सो 4 से 30 की ओर जाना है तो आंसर मिलेगा क्या इजीली, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ऐसा करना पड़ेगा 4 7 28 होता है, ठीक है, प्लस 2 करना पड़ेगा तब आपको 30 मिलेगा। ओके उसके अलावा आप और भी कितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस करोगे, आपने सपोज ये सिंपल रखा तो अगर आप आगे जाते हो तो 8 7 करोगे तो 8 7 कितना होता है, 56, और 56 प्लस 2 करोगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 58। तो 72 तो आपको मिल ही नहीं रहा है। ओके और भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के देखिए, बट बहुत इजीली 4 से 30 की ओर जाने के लिए बहुत मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें इजीली नहीं मिल सकता है, ठीक है। सो आपको 4 से 30 तो आप बना लोगे, लेकिन 8 से जो 72 बनाना है ना आपको, वो आपका नहीं बन पा रहा है सेम पैटर्न में, करेक्ट। इससे सी ऑप्शन आपका गलत हुआ। अभी हम लोग एक काम कर रहे थे, डी को भी चेक कर लेते हैं। अगर डी को हम लोग चेक करते हैं तो एक्स का वैल्यू 6 हो गया, ओके एंड वाई का वैल्यू अगेन 72 है। अब 6 से मुझे 30 की ओर जाना है तो 6 5 30 हो रहा है, ठीक है, 6 5 30 हो रहा है, मतलब ये क्या हुआ, एक नंबर रिड्यूस हुआ। अब एक मैं ऐसा कर सकती हूँ कि 8 5 करूँगी तो 40 तो मुझे मिल नहीं रहा है, तो ये तो पैटर्न लगा नहीं। सेकंड मैं ये कर सकती हूँ कि 6 5 मतलब कि डिक्रीजिंग नंबर का मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो 6 5 30 हो गया, तो 8 के लिए एक डिक्रीजिंग नंबर मतलब 7 हो गया, तो 8 7
87 का कितना होता है अगेन 56 ही होता है, फिर से मुझे 72 मिला। दैट मीन्स हमने जो लॉजिक लगाया कि 5 के बाद जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर 6 आता है 5 6 30 एंड 8 के बाद जो 9 आता है 8 9 72, ये लॉजिक जो बी में लगाया लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में वो एग्जैक्टली ट्रू लगा है, इसलिए ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके सो मैंने आप लोगों को क्यों क्यों ऑपरेशन करके दिखा, इसलिए हम लोग सी और डी की ओर गए, वैसे तो आंसर हमें बी में ही मिल चुका था। ओके नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज फ्रॉम द पजल। सो पजल भी अगेन आपको 7 बॉक्सेस का ही पजल पूछा है, जैसे आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, तो हम लोग इसे अटेम्प्ट करते हैं। 7 बॉक्सेस है ए बी सी डी एफ एंड जी। ओके आर केप्ट वन ओवर दी अदर बट नॉट नेसेसरीली इन दी सेम ऑर्डर। फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं, ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 4 बॉक्सेस जो है वो है, सिर्फ और सिर्फ 4 बॉक्सेस। तो आपको एक प्रश्न माइंड में ये आना चाहिए तुरंत इमीडिएट कि सी को ऊपर बैठाओ या एफ को नीचे बैठाओ। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बनाओगे, जैसे हम लोगों ने तभी भी बनाई थी। ओके सो हम लोग पहले 7 बॉक्सेस बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके तो क्या बोला गया है कि 4 बॉक्सेस जो है वो है बिटवीन एफ एंड सी, एंड उसके बाद का सेंटेंस तुरंत रीड करोगे तो बहुत ईजीली आप बन जाएगा आपका कि ओनली जी इज केप्ट अबाउ एफ, एफ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जी रहेगा। इसी का मतलब ये हो जाएगा कि जी जो है वो सबसे ऊपर है, उसके नीचे एफ हुआ एंड उसके नीचे 1 2 3 4 बॉक्सेस और छूटे तो सी बैठ जाएगा। समझ आया, एक ही कंडीशन में आपका बैठ गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक साथ 2 सेंटेंस को रीड किया, क्योंकि हमें जब हमने पहला सेंटेंस रीड किया तो हमें सेकेंड जो सेंटेंस था वो बहुत छोटा था। एंड ओनली वर्ड जब भी दिखता है ना गाइस, एक बार ध्यान में रखना, ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो पजल रहो, पजल में ओनली देखने मिलता है एंड सिटिंग अरेंजमेंट में इमीडिएट वर्ड मिलता है। पजल में भी इमीडिएट दिखेगा, ओनली वर्ड आपको सिटिंग में भी दिख सकता है। ये 2 वर्ड जो होते हैं ओनली एंड इमीडिएट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो आपका बहुत सारा जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का क्लियरिटी आपको देते हैं। ठीक है सो जब भी ये वर्ड्स दिखते हैं ना तो इनको क्विकली रीड करना, क्योंकि ये आपको कुछ ना कुछ क्लियर करवाएंगे। ठीक है इसलिए हम लोगों ने 2 सेंटेंस को साथ में पढ़ा, जिससे हमें ये निष्कर्ष मिला कि 4 बॉक्सेस को बैठवाना है बिटवीन एफ एंड सी, जिसमें यहाँ पे उन्होंने सीधा बोला कि ओनली जी इज केप्ट अबाउ एफ, एफ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जी ही बैठेगा। इसी का मतलब है जी टॉप हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं, ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन बी एंड डी। अब बी भी नहीं बैठा हुआ है, डी भी नहीं बैठा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी और डी के लिए साइड में लिख के रख देंगे कि 2 लोग बैठेंगे बिटवीन दी बी एंड डी। ओके उसके बाद है ए इज इमीडिएटली अबाउ ई, ए जो है वो इमीडिएट अबाउ है ई के। ओके सो ये भी हम बैठा नहीं सकते, तो हम लोग ये साइड में लिखेंगे, इसको स्टामार्क कर देंगे। उसके बाद बोला है डी इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबाउ ए, डी जो है वो ए के ऊपर नहीं बैठेगा और इमीडिएटली ऊपर नहीं बैठेगा, मतलब कि ए के ऊपर डी जो है वो इमीडिएट नहीं बैठेगा, ये ऐसा बोला जा रहा है। तो हमने वो रीड किया और वो साइड में लिख दिया। अब हमारा सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे हम लोग आ गए। तो अब हमारे पास जगह जो है बी और डी में 2 लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास जगह भी इतनी है। ओके सो हम लोग क्या करेंगे, बी और डी में क्योंकि 2 लोग बोला हुआ है और तो हम लोग क्या करेंगे, बी को ऊपर बैठाएंगे 1 2 छोड़ के डी को नीचे बैठाएंगे। ठीक है ये बात समझ आई, ये बात आप सभी को समझ आई। उसके बाद एक और कंडीशन आपकी ऐसी थी कि ई के इमीडिएट ऊपर ए बैठेगा। ठीक है सो ई के इमीडिएट ऊपर ए मतलब ये 2 ही जगह बची है तो यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। बट लास्ट कंडीशन ये कहती थी कि डी इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबाउ ए, डी जो है वो ए के ऊपर नहीं बैठेगा। तो येस इट इज ट्रू, नहीं बैठ रहा है। जो मैंने बी और डी के बीच में जो 2 बॉक्सेस बैठेंगे, जो बी और डी का सीक्वेंस मेरा बैठा वो करेक्ट बैठा। अगर डी को ऊपर बैठा रहता और बी को मैंने नीचे बैठाया रहता और यहाँ पे ए और ई आया रहता, तो आप लोग देखो क्या हुआ रहता, ए के इमीडिएट ऊपर डी आया रहता और ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुई रहती। करेक्ट करेक्ट बट हमने पहले क्या किया, बी और डी को वैसा बैठाया, बची हुई जगह में ए और ई को बैठाया और जो आपको कंडीशन दी थी वो वहाँ पे फुलफिल भी हुई थी, इसलिए ये ट्रू हो गया। बट ऐसा हो सकता था, वो भी मैंने आपको करके दिखाया कि डी को अगर मैं ऊपर बैठाती, बी को अगर मैं नीचे बैठाती, तो क्या होता, ए और ई वहाँ पे बैठता और एग्जैक्ट ए के ऊपर डी आ जाता, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि आपको वहाँ पे कंडीशन में डायरेक्टली बोला है कि डी जो है वो ए के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। इसीलिए आपने जो बैठाया प्रीवियसली फर्स्ट कंडीशन में वो ये ट्रू हुआ। अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ई एंड एफ। सो ई आपका यहाँ पे है, एफ आपका यहाँ पे है, दोनों के बीच में जो है 2 बॉक्सेस है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके
इसी तरीके से आपको सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स को अच्छी तरीके से रीड करके प्रॉपरली सेंटेंसेस को समझ के सॉल्व करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर शुड बी रिप्लेस हैशटैग एंड पर्सन सो दैट द पैटर्न एंड द रिलेशनशिप फॉलो बिटवीन द लेटर एंड द क्लस्टर पेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इज एज द सेम एज दैट ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ. ओके, देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको क्या बोला है कि हैशटैग और परसेंटेज ये दो सिंबल्स को यूज किया है एंड वहाँ पे आप कौन सा कॉम्बिनेशन को फिक्स करोगे सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो करेक्ट हो जाएगा. अगेन ये टाइप का क्वेश्चन जो है आपको बाय ऑप्शन ही सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है. क्वेश्चन मार्क मतलब कि हैशटैग और परसेंट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे खुद का थिंकिंग करने से बेटर है बाय ऑप्शन जाइएगा. सो फर्स्ट हम लोग जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ. सो फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले हम लोग पिक करेंगे तो हैशटैग की जगह पे हम लोग लेंगे RPC विच इज इक्वल इज टू LQW. ठीक है, इस तरीके से आपको कंफ्यूजन करने के लिए हैशटैग इज इक्वल टू वहां पे और लिख दिया है. ठीक है, सो वो कंफ्यूज नहीं होना है. हैशटैग रिप्रेजेंट RPC, इसका मतलब ये होता है. ठीक है, सो हैशटैग की जगह आपने RPC लिखा जो कि जिसका रिलेशन आपको LQW के साथ देखना है कि क्या बन रहा है. अगर वो रिलेशन आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिलेशन बनेगा वही सेम आपको फिर राइट हैंड साइड में भी बना है. अगर LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है दैट मीन्स वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो देखिए RPC से अगर हम लोग रिलेशन बनाना चाहते हैं LQW के साथ तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो भी लेटर्स है ये RPC ये LQW से पहले आने वाले लेटर्स है. ठीक है, स्पेशली L को देखिए, L जो है वो R से पहले आता है, काफ़ी पहले आता है. अगर आप लोग काउंट करोगे तो L के बाद क्या आता है, MNOPQ, ये पांच लेटर्स के बाद R आता है. ओके, मतलब कि L से R की ओर जाना है तो क्या करना है, प्लस फाइव करना है. L से R की ओर जाना है तो क्या करना है, प्लस फाइव करना है. मैं जो पैटर्न बता रही हूँ मैं इजी में बता रही हूँ, अगर मैं रिड्यूसिंग फैक्टर बताऊंगी तो आपको कन्फ्यूजन होगा. तो जो मैं पैटर्न बता रही हूँ वो बस आप समझने की कोशिश कीजिए. सो L से R की ओर जाना है तो प्लस फाइव करना है. प्लस फाइव मतलब कि पांच लेटर्स को छोड़ देना है फिर R मिलेगा. ओके, उसी तरह P और Q का रिलेशन तो बहुत ही सिंपल है, कॉन्जिकेटिव लेटर्स हो गए P के बाद Q. ठीक है, और C और W की अगर मैं बात करूँ तो देखिए अगेन C और W में काफ़ी सारा डिफरेंस है. ओके, C और W में काफ़ी सारा डिफरेंस है अगर मैं फॉरवर्ड काउंटिंग करूँ तो. ओके, लेकिन अगर आप लोग W के बाद क्या आता है, W के बाद आता है X, Y, Z, A और B. मतलब कि मैंने W के बाद से फॉरवर्ड काउंटिंग किया, C से फॉरवर्ड काउंटिंग W तक नहीं किया, W से फॉरवर्ड काउंटिंग किया C तक. तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि फाइव लेटर्स जो है उसको स्किप किया, विच इज़ वॉट XYZ AB और C आ गया. ठीक है, मतलब आपको समझ आया क्या कि बीच का जो है वो कॉन्जिकेटिव है और साइड के जो है उसमें फाइव छोड़ देना है. तो हम लोग ऐसा कोशिश करते कि ZFK जो है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, फिर आंसर जो आना चाहिए F के बाद क्या आता है, पहले तो बीच का देख लेते हैं, बीच से ही क्लियर हो जाएगा क्योंकि बीच का बहुत ईजी है. P के बाद क्यू आता है तो F के बाद क्या आता है, G. ओके, सो मिडिल में G दिख रहा है कि आपको, नहीं वहीं से ही ऑप्शन गलत हो गया. समझ में आया, देखिए मैंने पहला ऑप्शन चूज किया, फर्स्ट ऑप्शन में पैटर्न निकालने की कोशिश करी तो मुझे पैटर्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आया. ठीक है, जब पैटर्न जब भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है तो वहीं से समझना कि वो ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता. ठीक है, बट फिर भी यहां से एक जो ईजी चीज थी वो थी P के बाद क्यू. ठीक है, सो F का क्या रिलेशन बनेगा, F के बाद जो आएगा वो G आएगा. अब मुझे बताइए F के लिए मिडिल में K दिया हुआ है, G दिया है क्या, नहीं, दैट मीन्स A क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. अब बढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन B की ओर. ठीक है, सिंपल है. तो अब B की ओर बढ़ते हैं तो हैशटैग की जगह पे क्या आ जाएगा, HVS. HVS इज रिलेटेड टू LQW एंड ZFK इज रिलेटेड टू आएगा DAO. तो देखते ये दोनों पैटर्न सेम होते हैं या नहीं. ओके, सबसे पहले H से अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं तो क्या होता है, H के बाद क्या आता है, HIJK. H के बाद क्या है, IJK, मतलब कि तीन लेटर्स को स्किप किया ये IJK को और L आ गया. ओके, समझ आया. V और Q की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे Q से हम लोग काउंटिंग करेंगे. काउंटिंग वहीं से कीजिए, फॉरवर्ड काउंटिंग कीजिए, ईजी जाएगा, बैकवर्ड मत आइए. सो क्यू से अगर हम लोग काउंट करते तो क्या होता है, क्यू के बाद आता है RSTU. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू से अगर वी के तरफ आ रहा है तो प्लस फोर हो रहा है.
समझ में आया आपको क्या हो रहा है? क्यू से वी की तरफ आ रहा है तो प्लस फोर हो रहा है, एच से एल की तरफ आ रहे हैं तो आपको तीन लेटर्स को छोड़ रहा है, मतलब ही प्लस थ्री करना पड़ रहा है, मतलब कि तीन लेटर्स को स्कीप करो और नेक्स्ट वाला लेटर लो। क्यू से वी की तरफ जाना है तो चार लेटर्स को छोड़ो, वी आ गया है। अब उसी तरह एस और डब्ल्यू की अगर मैं बात करूँ तो एस और डब्ल्यू में क्या हो रहा है, एस के बाद क्या आता है, टी यू वी, मतलब कि अगेन तीन लेटर्स को स्किप किया है तो तीन लेटर्स को स्किप करके डब्ल्यू है, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट में तीन लेटर्स को स्किप किया है और बीच में जो है वो फोर लेटर्स को स्किप किया है। ओके, सो वही हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। सो जेड आया पहले, अब जेड से अगर मैं तीन लेटर्स को स्किप करूँ तो क्या रहेगा, ए बी सी, ये तीनों को स्किप करना पड़ेगा तो आएगा डी। यस, मुझे डी दिख गया, पहला सही गया, मतलब कि तीन लेटर्स को स्किप करना था, लास्ट में भी थ्री को स्किप करना है और बीच में क्या करना है, फोर को स्किप करना है। ओके, सो देखिए बीच में फोर को स्किप करना है फ्रॉम दी ए साइड, तो ए के बाद फोर को स्किप करूंगी क्या आएगा, बी सी, देखिए बी सी डी ई, इन तीनों को स्किप, इन चारों को स्किप करना है, बीच में चार को स्किप करना है फ्रॉम दी ए साइड, बी सी डी ई चारों को स्किप किया तो आने वाला वर्ड क्या है, एफ। यस इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू आया है अभी तक का। फिर अगर बात करें के और ओ की तो आपको क्या करना है, फ्रॉम के L M N तीन को स्किप करना है, आने वाला क्या है, O। यस, प्लस थ्री किया है तो O आया, मतलब कि देखिए फर्स्ट और लास्ट में तीन लेटर्स को स्किप करना था एंड बीच में फोर लेटर्स को स्किप करना था, यही था पैटर्न, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे फॉलो हुआ है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्या बताया मैंने, H से जब हम लोग L के तरफ गए तो हमने तीन लेटर्स को स्किप किया, S से जब हम W के तरफ गए तब हमने तीन लेटर्स को स्किप किया। ओके, बट अगर बीच की मैं अगर बात करूँ तो उसमें रिवर्स हुआ है, Q से हम लोग V के तरफ गए बिकॉज इट इज़ ईजी। मैं अगर रिवर्स बोलूँगी लेटर्स को काउंट करना तो डिफिकल्ट जाता है, बहुत ईजिली हम लोग जितना ए बी सी डी फास्ट में बोलते हैं उतना जेड वाई एक्स डब्ल्यू बोलना नहीं आता है, बिकॉज हमने बचपन से जो है वो फॉरवर्ड जो सिक्वेंस है वो बहुत बार बोला है तो हमारे लिए बहुत ईजी होता है। तो उसी तरीके से आप सॉल्व कीजिए, मैंने आपको ईजी में बताया, अगर आपके लिए वो अगर आप रिवर्स जाओगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैंने आपको Q से बताया। तो Q से जब आप V के और जा रहे तो आपको फोर लेटर्स को स्किप करना हो रहा है, वही हमने पैटर्न फॉलो किया। Z से हम फॉरवर्ड गए तीन लेटर्स को स्किप किए तो D आया, K से हम लोग फॉरवर्ड गए तीन लेटर्स को स्किप किए तो O आया, बट A से हम लोगों ने चार लेटर्स को स्किप किया तो आपका F आया। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है ऑप्शन B से, इसलिए ऑप्शन B इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, इसका आंसर ऑलरेडी निकल चुका है, काफ़ी स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन हुआ है एंड काफ़ी लोग ऐसा भी बोले कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट रॉन्ग, इट इज़ ट्रू। यहाँ पे थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन जो है वो बनता नजर आ रहा है, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। हम लोग सी ओ डी को चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये ऐसे जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में होते हैं इसको कहा जाता है टाइम टेकिंग क्वेश्चन, ठीक है। सो जो भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम होता है। सो आपको जो जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बताई, अगर आप वो स्ट्रैटेजी को अप्लाई करोगे, बाय ऑप्शन जाइए, जहाँ पे आंसर मिला आंसर मार्क कीजिए और मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। एक्चुअली इट इज़ डूएबल क्वेश्चन, लेकिन आप जितना ईजी हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने बोला ए बी सी डी को उसी काउंटिंग में रखिए और वही माइंड में रख के कीजिए, अगर उसको आप बैकवर्ड करोगे कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो डेफिनेटली आपका आंसर करने में काफ़ी दिक्कत जा सकती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपको वो ब्लड रिलेशन का पूछा गया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा हम लोगों ने ऊपर भी इंडिकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखा शिफ्ट वन में, उसी तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा गया था अगेन इन दी शिफ्ट टू। सो क्वेश्चन क्या है, इंट्रोड्यूसिंग अंकुश टू गेस्ट राहुल सेड, क्या कर रहा है राहुल जो है वो अंकुश को गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहा है तो वो क्या कहता है। देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया है, ऑलवेज ध्यान में रखना है जो इन्वर्टेड कॉमाज में सेंटेंस दिया होता है बस उसी को आपको प्रॉपर समझना है एंड उसी से आपको आंसर मार्क करना है और वो सेंटेंस बहुत छोटा होता है। ओके, सो देखिए अच्छे से पढ़ना है और उसको समझना है और एक एक वर्ड को जैसे आप पढ़ रहे हो उसी तरीके से आपको डायग्राम बनानी है। क्या बोला जा रहा है इन्वर्टेड कॉमा में, हर ब्रदर, हर मतलब कि कोई ना कोई फीमेल होगी तो हम एक सर्कल बना देंगे, हर ब्रदर, ठीक है हम एक बॉक्स बना देंगे, हर ब्रदर्स मदर, ये जो ब्रदर है इसकी मदर, ठीक है ये मदर भी बना देंगे, एक और सर्कल बना देंगे, इज माई, माई क्या होता है मैंने ऑलवेज आपको बताया जो इंट्रोड्यूस करवाने वाला होता है मतलब ही राहुल, ठीक है माई कौन होता है जो इंट्रोड्यूस करवाता है मतलब ही राहुल, माई डॉटर, तो ये जो माई हो जाएगा ये हो जाएगा राहुल, तो ये राहुल की क्या हुई डॉटर हुई, ठीक है उसका जो बेटा हुआ वो क्या हो जाएगा अंकुश हो जाएगा एंड उसकी ये क्या हो जाएगी सिस्टर हो जाएगी। ओके, सो आपको क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज राहुल रिलेटेड टू अंकुश इफ राहुल इज अ मेल,
ओके देखिए क्वेश्चन पूरा रीड कीजिएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग में स्पेशली कि मेल नेम होता है बट उसको एज अ फीमेल कंसिडर किया जाता है क्वेश्चन में, बट यहाँ पे तो मेल ही कंसिडर किया, हमने जो कंसिडर किया वो करेक्ट है, बट काफ़ी बार ऐसा होता है। सो क्वेश्चन पूरा रीड करना है, अच्छी तरीके से रीड करना है सो दैट ये मिस्टेक ना हो। ओके अगर ये मिस्टेक अगर आप गलती से मेल लेकर कंसिडर करके सॉल्व कर लेते हो और गलती से फीमेल अगर दिया है सपोज क्वेश्चन में, सो फिर आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट। सो हाउ राहुल का रिलेशन पूछा जा रहा है रिलेटेड टू अंकुश, इफ राहुल इज अ मेल, सो अंकुश से अगर राहुल का रिलेशन पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है, वो उस अंकुश का क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। ओके दैट मीन्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ आएगा। देखिए हर बोले तो एक लड़की को हमने कंसिडर किया, हर ब्रदर्स मदर इज माय डॉटर, ठीक है, और यहाँ पे दो मेल मेंबर की बात की जाए तो बट ऑब्वियस है ये क्या हो जाएगा, आपका अंकुश हो जाएगा, करेक्ट। और माय जो होता है वो कौन होता है, जो इंट्रोड्यूस करवाता है वो, इससे ये क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। आपको रिलेशन क्या पूछा है, राहुल का पूछा है, रिलेशन किसका पूछा है, हाउ राहुल इज रिलेटेड टू अंकुश, अंकुश से राहुल का रिलेशन क्या है, सो राहुल का जो रिलेशन है अंकुश से अगर हम लोग कंपेयर करें तो वो उसका मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाएगा। ओके सो मैटरनल ग्रैंडफादर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इवन दो वो एक इंडिकेशन का क्वेश्चन है, आपको डायग्राम बनानी है, जो आप पढ़ रहे हो उसे समझना है, उसे समझ के तोड़ तोड़ के डायग्राम बनानी है, आपका आंसर जरूर आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम सिलॉजिज्म, स्टेटमेंट को लेके क्वेश्चन डायग्राम बनाते हैं एंड कंक्लूजन को मार्क करते हैं। ओके फर्स्ट वन इज व्हाट, सम मून आर स्टार, सम स्टार आर प्लैनेट एंड ऑल प्लैनेट आर एस्टेरॉइड्स। ओके डायग्राम इज रेडी, हम लोग कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन इज व्हाट, सम स्टार आर एस्टेरॉइड, सम स्टार आर एस्टेरॉइड, यस ये जो सम का रिलेशन है स्टार और एस्टेरॉइड का हमें इजीली एक डायग्राम में नजर आ रहा है, दैट मीन्स कंक्लूजन वन इज ट्रू। ओके नेक्स्ट वन इज सम मून आर एस्टेरॉइड, मून और एस्टेरॉइड का हमें कहीं पे भी रिलेशन नहीं नजर आ रहा है, दोनों के बीच में गैप है, रिलेशन हमें नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है, डायग्राम में दिख भी नहीं रहा है, सो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। ओके नेक्स्ट वन इज फ्रॉम ऑड वन आउट, थ्री ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर आर अलाइक इन अ सर्टन वे डज फॉर्म अ ग्रुप विच वन इज डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। सो आपको एक ऑड वन आउट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो देखते हैं कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है और कौन सा पैटर्न इसमें से डिफरेंट वन है। ओके सो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ऑड वन आउट निकालना है तो बाय ऑप्शन एक एक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। ओके सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक ऑप्शन को एनालाइज करना, सी ए एक्स, ठीक है। सबसे पहले देखिए ए बीच में है, सो हम लोग ए से सी की ओर जाएंगे तो क्या जाएगा, बीच में भी आएगा ए बी सी, समझ आया क्या आया, ए बी सी, और ए से एक्स की ओर जाते हैं तो क्या होता है, एक्स के बाद क्या आता है, वाई जेड, और उसके बाद क्या आता है, ए आता है, समझ आया। मतलब कि यहाँ पे दो लेटर स्कीप हुए, यहाँ पे एक लेटर स्कीप हुआ, ए के बाद बी फिर सी, और एक्स के बाद क्या आता है, वाई जेड, और उसके बाद आता है ए, तो एक्स से ए की तरफ आना है तो टू का डिफरेंस होता है, करेक्ट। उसी तरह यही सेम पैटर्न देखना जी ई और पी में फॉलो होता है क्या, तो देखिए ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आता है, देखिए ई एफ और जी प्रॉपर, मतलब ई एफ जी ये सीक्वेंस प्रॉपर फॉलो हुआ, एक लेटर बराबर स्किप हुआ, इतना तो करेक्ट है। बट अब ई और बी को देखते हैं, तो बी के बाद क्या आता है, सी और डी, इससे इस तरफ आना है सी डी, तो डी के बाद देखिए बराबर ई आया है, समझो आपको सीक्वेंस कैसा है। ए और एक्स का कैसा निकालोगे, एक्स के बाद काउंट करोगे फॉरवर्ड काउंटिंग विच इज व्हाट, वाई जेड, और जेड के बाद क्या आता है, ए, ए जो कि यहाँ पे प्लेस्ड है। उसी तरह बी, बी के बाद क्या आता है, सी डी, और डी के बाद क्या आता है, ई, जो कि ये बीच में प्लेस्ड है, करेक्ट। मतलब कि पहले फर्स्ट में एक का डिफरेंस आ रहा है, बाद में दो का डिफरेंस आ रहा है। ओके अब बात करते हैं पी एन के की, एन के बाद क्या आता है, ओ, ओ के बाद पी, तो देखिए एक का डिफरेंस आया प्रॉपर, और वही एन और के की अगर मैं बात करूँ तो के बाद काउंटिंग करेंगे, के बाद आता है एल एम, और एम के बाद आता है एन जो कि बीच में अवेलेबल है, तो यहाँ पे एक का डिफरेंस आया, यहाँ पे दो का डिफरेंस आया, करेक्ट। अभी हम लोग तीनों ऑप्शंस में हमारे पूरे पैटर्न फॉलो है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, तो लेट्स चेक इट। सो एम के और जे की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली नजर आ रहा है जे के बाद के, यहां पे कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आ रहा है, मतलब ही ये क्या हो गया, गलत हो गया है। ओके जो कि हमारे ग्रुप का जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे एम के जे क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द नंबर सीरीज,
अगेन ये जो नंबर सीरीज़ है ये रिड्यूस हो रही है और धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो रही है। तो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है मतलब ही कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस है। अब डिफरेंस को अगर आप लोग यहीं के यहीं देखो तो पहले 20 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 40 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 60 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 80 का डिफरेंस आ रहा है, तो आने वाला डिफरेंस कितना रहेगा 100 का। मतलब ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 300, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप सभी को समझ आएगा, इसी तरीके से नंबर सीरीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम दी odd one out. देखिए, four letter cluster have been given out, out of which three are alike in the same manner and one is different. Select the one that is different one. Okay, so यहाँ पे pattern देखे तो I, G, H, ठीक है, ये letters आपको नजर आ रहे हैं but इनका sequence जो है वो proper नहीं है, ठीक है, I, G, H नहीं होता है, G, H, I होता है, करेक्ट, जी एच आई होता है, इनका सीक्वेंस करेक्ट नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने हमें क्लिक नहीं हो रहा, एक काम करते हैं बी को देखते हैं। तो बी में क्या हो रहा है, आप लोग पीछे से देखिए, एस टी यू, देखिए एस टी यू बैकवर्ड जा रहा है, सी डी ई बैकवर्ड जा रहा है, एम एन ओ बैकवर्ड जा रहा है, बट ए में हुआ क्या वैसा, नहीं, ए में जो सिक्वेंसिंग है वो बहुत जम्बल्ड है, आई जी एच, ओके, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा। यहाँ पे बैकवर्ड लेटर्स का कॉन्जिकेटिव जो है वो काउंटिंग था, एस टी यू सी डी ई एम एन ओ, ए में वैसा है क्या, एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आता है आई जे, तो यहाँ पे होना था एच आई जे, आई जी एच नहीं, एच आई जे होना चाहिए था रिवर्स से, जो कि नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है पूछा गया सिलॉस से, सो इसका स्टेटमेंट से हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ऑल कैट्स आर स्नैक्स, सम पिग्स आर कैट, सम पिग्स आर कैट एंड ऑल स्नैक्स आर टैंक। सो फर्स्ट कंक्लूजन है सम स्नैक्स आर पिग्स, ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सम पिग्स और स्नैक्स का रिलेशन आपको नजर आ रहा है, ये सम वाला रिलेशन इजिली दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज ट्रू। ओके, सेकेंड की ओर बढ़ते हैं, सम टैंक्स आर कैट, टैंक और कैट का सम का रिलेशन है, यस, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऑल ए आर बी, इसी का मतलब क्या होता है, ऑल ए आर बी, ये करेक्ट होता है, सम ए आर बी ये करेक्ट होता है, सम बी आर ए ये भी करेक्ट होता है, ठीक है, उसी तरीका है, उसी तरीके का यहाँ पे कंक्लूजन है कि सम टैंक्स आर कैट, ओके, तो यहाँ पे ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दोनों कंक्लूजन ट्रू, मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोस, ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रॉम अर्थमैटिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यहाँ पे प्लस माइनस की आपको इंटरचेंज करना है, क्वेश्चन का आंसर लेकर आना है। देखिए 77, माइनस मीन्स वॉट, माइनस मीन्स आपको दिया है प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है और डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन को इंटरचेंज करना है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन आर इंटरचेंज एंड प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज। ओके, सो माइनस की जगह प्लस लगाइए, डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन लगाइए। ओके, सिंपल, सो अकॉर्डिंग टू बॉडमर्स रूल सबसे पहले हम लोग डिवीजन करेंगे, सो 35 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस 7 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। पहले हम लोगों ने डिवीजन किया, फिर हमने मल्टीप्लीकेशन किया, फिर हम लोग एडिशन करेंगे, फिर हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे। ओके, इसी तरीके से करना होगा सो दैट आपको जो इक्वेशन का आंसर है वो करेक्ट मिलेगा। सो 7 5 35 पहले डिवाइड किया, 5 आया, 7 1 7 एंड प्लस 77। अब क्या करेंगे, 77 प्लस 7 माइनस 5 इज वॉट 2 एंड 77 प्लस 2 इज वॉट 79। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 79। सिंपल था, आपको प्लस की जगह माइनस डालना था, डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन डालना था एंड देन अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल उस इक्वेशन को सॉल्व करना था। आंसर आया ऑप्शन डी, आई होप आप सभी का भी आया होगा। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम द कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, सो यहाँ पे पार्ट का कोड दिया है आपको, पी ए आर टी पार्ट का कोड विच इज़ 8264 एंड अमिड का कोड दिया है, ए एम आई डी अमिड का कोड दिया है 3547। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज पार्ट इज कोडेड एज 8264 एंड अमिड इज कोडेड एट 3547, व्हाट इज द कोड फॉर ए इन द गिवन कोड लैंग्वेज। ए का कोडिंग आपको बताना है, ठीक है, अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर भी देखा था। ओके, सो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए दोनों में सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन है विच इज ए ओनली, ठीक है, सो दोनों में ए कॉमन है तो ए के साथ साथ आपको लेटर्स भी कौन सा कॉमन है वो देखना होगा, जो लेटर कॉमन रहेगा, जो सॉरी नंबर, लेटर के साथ साथ कौन सा नंबर कॉमन है वो आपको देखना होगा, जो नंबर कॉमन रहेगा वो उसका आंसर रहेगा, जो कि है 4, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था एंड इसको भी इनकरेक्ट कहा जा रहा है,
जैसे कि मैंने शिफ्ट वन में भी आपको बताया, शिफ्ट टू में भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया। आपको यहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है कि पार्ट का आंसर है एट, पार्ट का जो कोड है विच इज 8264, अमीड का जो कोड है विच इज 3547, आपको ए का कोड पूछा जा रहा है, तो आपको ये देखना है क्योंकि सब कुछ अलग अलग दिख रहा है लेकिन ए ये लेटर ऐसा है कि जो दोनों में आया हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं देखना है कि पहले में ए का कोड 2 है फिर दूसरे में ए का कोड 3 है, तो ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं होगा, ए लेटर अगर दोनों में कॉमन है तो आपको क्या देखना है दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। सो दोनों में 4 कॉमन है इसलिए ए का आंसर हो जाएगा 4, विच इज एन ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ आया होगा, इट इज नॉट द रॉन्ग क्वेश्चन, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालना, इट इज एक्चुअली अ करेक्ट क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर। तो ए का आंसर हो जाएगा विच इज बी ऑप्शन 4 नंबर 4। ओके, बढ़ते आगे 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम दी शिफ्ट टू। आपको जो नंबर सीरीज पूछी जा रही है यहाँ पे, ये लेटर बेस सीरीज पूछी जा रही है, मिसिंग सीरीज, तो आपको बताना है कि आने वाला लेटर जो है वो क्या होने वाला है। ओके, अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरीके से देखते हो, सिर्फ लेटर्स को देखिए, बाकी कुछ मत कीजिए, सिर्फ लेटर को देखिए, तो आपको एक सिक्वेंस नज़र आएगा लेटर्स का। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी एल, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए मैं ऑलवेज कहती हूँ, जब भी क्वेश्चन आता है तो ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग में भी मैंने जब आपको पढ़ा था तब आपको मैंने यही कहा था कि ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है आपका आंसर उतना क्विक आना है। यहाँ पे एक सिक्वेंस में जा रहा है तो बट ऑब्वियस है कि ये जो एक लेटर्स कंटिन्यूसली जो जा रहा है बैकवर्ड में, सो इसके पहले आने वाले लेटर्स 3 का कॉम्बिनेशन आपको वहाँ पे रखना है, विच इज़ वॉट के जे आई आई जे के एल। समझ आया, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ आया होगा, वेरी सिंपल मिसिंग सीरीज थी जो कि लेटर बेस्ड थी। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा गया, अगेन ये एक सीरीज ही होती है, इसे एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में सिर्फ नंबर बेस्ड सीरीज जो आती है एक उसी का टाइप होता है जिसमें नंबर के कॉम्बिनेशन दिए होते हैं एंड उसमें कुछ कंडीशन दी होती है उसको लेके आपको आंसर करना होता है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट नंबर गिवन बिलो, एग्जाम्पल 697, फर्स्ट डिजिट इज 6, सेकेंड इज 9 37। ओके, नोट ऑल द ऑपरेशन टू बी डन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फालतू का अननेसेसरी अगेन काफी सारा डेटा दिया जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं है। ओके, एंड इट इज जस्ट कि आपको क्वेश्चन बड़ा दिखे एंड आप उससे थोड़ा बहुत पैनिक कर जाओ, बस यही एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि आपको समझनी है। आपको एक बेसिक सी नंबर सीरीज आपको नज़र आ रही है, बस वो आप देखिए कि 5 आपको कॉम्बिनेशंस नज़र आ रहे हैं जिसमें 3 3 के कॉम्बिनेशंस बनाए गए। क्वेश्चन को डायरेक्टली रीड करना है, क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, 176, इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 1। ठीक है, फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 934। ओके, इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 9। इन दोनों का क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्शन करना है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था जिसमें आपको एडिशन करना था, यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्शन करना है, तो 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8। वहाँ पे 9 + 1 था, आप देख सकते हो जहाँ पे आंसर आया था 10। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। आई होप आप सभी को ये 25 क्वेश्चन शिफ्ट टू के भी समझ आए होंगे, बहुत ही सिंपल आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे। हो सकता है आने वाली जो प्लांट अटेंडेंट की एग्जामिनेशन है उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए। अगर आप ये सारे क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हो और सारे टॉपिक्स की अवेयरनेस देना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी आपके एग्जामिनेशन के लिए कोर्स अपलोड कर रखा है, इसे आज ही जाकर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपका शिफ्ट वन हो चुका है एंड आपका काफ़ी अच्छा एग्जामिनेशन गया है, आपका अच्छा स्कोर आ रहा है एंड आपको ऐसा लगता है कि आपका क्लियर हो जाएगा Tier 1, तो आप लोग, और थोड़ी भी पॉसिबिलिटी भी है फिर भी आप Tier 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो Tier 2 का कोर्स भी लॉन्च है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ एप्लीकेशन पे, एंड प्लांट अटेंडेंट का भी Tier 2 का भी लॉन्च है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs पे। सो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आप Tier 2 के लिए प्रिपेयर करोगे, अगर आप कैपिट्यूट्स डाउनलोड करते हो तो आप जो आपकी प्लांट अटेंडेंट की एग्जामिनेशन रिमेनिंग है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, सारे टॉपिक्स की अवेयरनेस ले सकते हो। जो टॉपिक्स मैंने स्टूडेंट्स को दिए थे वो सारे टॉपिक्स देखने मिले, मैंने सिटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ाया था, मैंने पजल्स भी पढ़ाया था, मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था, ब्लड रिलेशन पढ़ाया था, डायरेक्शन पढ़ाया था, सारी चीज़ें जो एग्जामिनेशन में देखने मिली वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पढ़ाई, सारे कोर्सेज में मैंने अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया था, फ्रॉम बेसिक लेवल टू मॉडरेट लेवल टू हाई लेवल ईच लेवल के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पढ़ाए थे। तो उसके हिसाब से तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी ने 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, वो भी विद
एक्यूरेसी. ओके सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन. आपकी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए आप कौन सा सेशन चाहते हो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए सेशन लेकर आऊंगी. ओके अगर आपके लिए आज का सेशन हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है. गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.